सह कनक कपिशं रजयन्तीं च मालां रन्ध्रान वेणोधर सुधया पदरमण प्राविशद गीत कीर्ति यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि मुनि श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री वेद व्यास जी महाराज की जय श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की श्री श्री बाबा महाराज की श्री राधा मान बिहारी लाल की श्री राधा रास बिहारी लाल की श्री गहवर वन धाम की श्री बरसाना धाम की चौरासी कोस ब्रजमंडल धाम की अखिल गौवंश की समस्त भक्त वैष्णव वृंद की श्री नाम संकीर्तन की भगवत कथा महा महोत्सव की श्री यमुना महारानी की जय जय श्री राम दो मिनट हम सभी लोग इस परम मंगल यज्ञ के शुरू करने से पूर्व भगवान के परम दिव्य नाम का संकीर्तन करेंगे थोड़ी देर दो मिनट और फिर कथा सत्र में प्रवेश करेंगे कृष्ण गोविंद गोविंद
गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद
श्री राधा माधव लाडली लाल युगल सरकार की परम कृपा से दाहोद नगर में पुनः हम लोगों को साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप श्रीमद् भागवत ग्रंथ के आश्रय से श्री कृष्ण कथा के माध्यम से मानव जीवन की दुर्लभता मानव जीवन की सदुपयोगिता ये सब बड़ी आवश्यक चर्चाएं करने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप लोगों ने पिछले वर्ष जो यहां कथा हुई थी उसको एक बड़ा ही सफल रूप दिया। कथा की सफलता इस बात से नहीं होती कि कथा में भीड़ कितनी हुई होती है, अच्छी बात है, जितना अधिक लोग लाभ लें, लेकिन वो कोई सफलता का कारण नहीं है। कथा की सफलता इस बात से भी नहीं होती कि कथा में कौन प्रसिद्ध वक्ता आया, कौन प्रसिद्ध लोग आए, कितनी ऊंची व्यवस्था थी, कितना बड़ा मंच था। ये कथा के स्वरूप को सुंदर अवश्य बनाता है, पर ये कथा की सफलता का कारण नहीं है। कथा की सफलता का एकमात्र कारण उस कथा से लोगों को जीवन में स्थायी लाभ कितना मिला, उस कथा से लोगों ने ऐसा क्या प्राप्त किया जो उनको आजीवन काम आया, उस कथा से कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ, उस कथा से कितने लोगों को भक्ति मिली, उस कथा से कितने लोगों ने भक्ति को गंभीरता से लेना चाहा। उस कथा से कृष्ण प्रेम का मार्ग प्रशस्त हुआ कि नहीं हुआ, ये सब चिंतनीय बिंदु हैं जो कथा को सफल बनाते हैं। और सफल स्वरूप आप लोगों ने दिया उस कथा को, इसके लिए हम आपके आभारी भी हैं और आपको प्रणाम भी करते हैं, क्योंकि पूरा एक वर्ष हो गया,
सर्दी गर्मी बारिश और आप लोगों ने प्रभात फेरी को चलाया, चल रही है और चलती रहेगी। हम लोग तो एक प्रभात फेरी शुरू किए थे लेकिन भगवत कृपा से इतने लोग प्रेरित हुए कि दो तीन जगह फेरियां चली। यद्यपि हम जा नहीं पाए लेकिन एकाध जगह तो संभवतः स्टेशन के पास या कहीं केवल एक या दो लोग प्रभात फेरी चला रहे हैं, लेकिन वो भी चला रहे हैं। प्रणाम करने योग्य हैं वे पुरुष। धर्म का स्वरूप क्या है? एक शब्द में अगर धर्म को कहा जाए तो वो है कर्तव्य पालन। आज समाज का हर वर्ग, हर वर्ण, हर आश्रम, हम सब लोग कर्तव्य पालन से भाग रहे हैं। हम चाहते हैं कि समाज में समरसता आए, हम चाहते हैं कि समाज समृद्ध हो, हम चाहते हैं कि राष्ट्र की उन्नति हो, हम चाहते हैं कि राष्ट्र विकसित हो। लेकिन कर्तव्यों की अवहेलना करके ये सब चीजें चाहते हैं, जो कदापि संभव नहीं है। हर वर्ग में, हर वर्ण में केवल और केवल श्री कृष्ण भक्ति का बीज डाल दिया जाए तो निश्चित रूप से वो वर्ग समुन्नत होगा, वो राष्ट्र उन्नत होगा, वो राष्ट्र विकसित होगा, वो राष्ट्र सुख शांति को प्राप्त करेगा। लेकिन ये केवल यहाँ की बात नहीं है, जहाँ जहाँ प्रभात फेरियाँ चल रही हैं, चलाई गई, उन सब प्रभात फेरी चलाने वालों को बड़ी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि समाज में अज्ञानी ज्ञानियों की संख्या ज्यादा है, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, कोई उसको विरोध करता है, कोई उसको रुकवाने का प्रयास करता है, कोई निंदा करता है, कोई बुराई करता है। जबकि आपने स्वयं अनुभव किया होगा, और ये केवल इस शहर की बात नहीं है, हमारे परम श्रद्धेय पूज्य श्री बाबा महाराज की कृपा से, उनकी प्रेरणा से आज 25 नहीं 35,000 गांवों में प्रभात फेरियां चल रही हैं। 35,000 गांवों में, शहरों में, शहर के शहर, गांव के गांव नाममय बने हुए हैं। बहुत से गांव और शहर तो ऐसे उदाहरण हैं जहां पूरे के पूरे गांव प्रभात फेरी करते हैं, गांव का हर सदस्य प्रभात फेरी। बहुत से गांव ऐसे जहां एक एक फेरी नहीं, छोटा सा गांव है, दो दो तीन तीन फेरियां चल रही हैं। सुबह भी अलग प्रभात फेरी है, संध्या फेरी अलग लोग करते हैं। अलीगढ़ शहर है हमारे ब्रज में, 7-8 प्रभात फेरियां चल रही हैं वहाँ। हर मोहल्ले की अलग प्रभात फेरी, हर गली की अलग प्रभात फेरी, सुबह की फेरी अलग है, संध्या की अलग है, रात्रि की अलग है। ऐसे बड़े सुंदर सुंदर आदर्श गांव भी हैं, बड़े अच्छे अच्छे उदाहरण भी हैं।
विषमताएं तो सब जगह आती हैं, क्योंकि समाज में सब लोगों की विचारधारा एक जैसी नहीं होती। सबकी विचार शक्ति उतनी प्रबुद्ध नहीं है, सबके प्रारब्ध इतने सुंदर नहीं है कि वो भगवान नाम के महत्व को समझ सकें या वो मानव जीवन की दुर्लभता को समझ सकें। किंतु फिर भी प्रभात फेरियां चल रही हैं और बड़े अच्छे अच्छे उदाहरण, बड़े अच्छे अच्छे परिणाम उन फेरियों के सामने आते हैं। ग्रामवासी कहते हैं, महाराज हमारा तो गांव में इतना राग द्वेष था, फूट थी, आपसी झगड़े थे, वो सब बंद हो गए, आपस में सौहार्द हो गया, आपस में प्रेम हो गया। जिनको हम जानते नहीं थे, जिनको पहचानते नहीं थे, जो हमारे वर्ग का नहीं, जो हमारे वर्ण का नहीं, आपस में इतना सामंजस्य हो गया, इतना सौहार्द हो गया कि अब ये भक्त समूह ही ऐसा लगता है कि यही परिवार है, यही अपने सब कुछ है। तो एक सामाजिक समरसता, एक पारस्परिक सौहार्द, एक समाज में सुख शांति स्थापित करना एक बहुत सुंदर उपक्रम है। प्रभात फेरी बहुत सुंदर प्रयास है। स्थायी लाभ तो है ही। अब जिन लोगों को भगवत कृपा से भगवान नाम का रस मिला है, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे, अगर एक दिन प्रभात फेरी में ना आए तो आपको ऐसा लगेगा पता नहीं आज क्या छूट गया, एक कमी का एहसास होता है, एक अभाव का अनुभव होता है। माताएं सिर हिला रही हैं, जरूर उनको अनुभव होता होगा, क्योंकि लोग अपने अनुभव बताते हैं कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। अगर हमें इस बात के लिए अनुताप हो, पश्चाताप हो मन में, भाई आज भगवान नाम नहीं ले पाए, प्रभात फेरी में जाते थे इतने भक्तों का दर्शन होता था, आज भक्तों का दर्शन भी नहीं मिला, नाम संकीर्तन नहीं हुआ, नाम दान नहीं हुआ, इस बात के लिए यदि अनुताप हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है, तो ये विशेष भगवान की कृपा है, विशेष। क्योंकि सनकादिक मुनीश्वर ने भागवत जी का सिद्धांत पृथ्वी जी महाराज को कहा है, अस्तेव राजन भवतो मदुद्दिशः पादारविन्दस्य गुणानुवादने रतिर दुरापा विधनोति न्यष्ठिकीं कामं कषायं बलमंतरात्मनः। रतिर दुरापा, भगवान के गुणानुवाद में रति होना, प्रेम होना, रुचि होना, ये दुरापा माने बहुत कठिन है, ये किसी साधन से नहीं मिलता, ये जब भी मिलेगी भगवान की कथा में, भगवान के नाम में रुचि जब भी मिलेगी, ये किसी साधन से नहीं, भगवान की कृपा से मिलेगी। रतिर दुरापा, दुरापा माने बड़े बड़े अमलात्मा महात्माओं को भी भगवान नाम कथा में रुचि नहीं मिलती है। लोग सोचते हैं तो निठल्लों का काम है, जो खाली घूमते हैं वो घूमे, अरे बैठ के घर में जाप करो ना, ध्यान करो उस समय, ये क्या पागलपन है गली गली घूमना। क्योंकि रतिर दुरापा, ये रुचि मिलना बहुत कठिन है। हमारे किसी सुंदर प्रारब्ध का परिणाम नहीं है कृष्ण नाम में रुचि होना, हमारी किसी साधना का फल नहीं है कृष्ण नाम में रुचि होना, कृष्ण नाम में रुचि होना साक्षात श्री कृष्ण कृपा का परिणाम है। कामम कषायम मलमंतरात्मनः, जिस दिन रुचि हो जाएगी उसी दिन चित्त निष्काम हो जाएगा, कामनाओं का, इच्छाओं का जो दूषण है, जो गंदगी है, वो चित्त से चली जाएगी। हाय संसार, हाय धन, हाय पैसा, हाय नौकरी, हाय संतान, ये जो संसार के प्रति जो हाय हाय है ना, ये खत्म हो जाएगी। केवल भगवत कथा, भगवान नाम में रुचि होने मात्र से, फिर तो पश्चाताप इसलिए होगा, अरे आज कथा में नहीं जा पाए, आज प्रभात फेरी में नहीं जा पाए, आज सत्संग नहीं कर पाए, आज सेवा नहीं कर पाए। सूरदास जी महाराज का पद है, नर देही दीन ही सुमिरन को मोह पापी सो कछु ना सरी।
मानव जीवन का अगर एकमात्र कर्तव्य पूछा जाए ना, परीक्षा जी ने यही तो पूछा सुखदेव जी को, मानव मात्र का कर्तव्य क्या है, क्या करने योग्य कर्म है मनुष्य के लिए? तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छताभयम्। भगवत कथा श्रवण, भगवान का नाम गुण कीर्तन और भगवान की स्मृति ही मनुष्य का कर्तव्य कर्म है। भगवत गुणानुवाद में अगर रुचि नहीं है कर्तव्य कर्म से दूर भाग रहे हैं। ये सत्संग गोष्ठियां, ये सब आयोजन, इनका यही लाभ है, जीव अपने कर्तव्य पथ की ओर अभिमुख हो, बढ़े। समझें तो सही पहले मानव जीवन का लाभ क्या है, मानव जीवन किस लिए मिला है। इन सब बातों को समझने के लिए ही ये सब सत्संग गोष्ठियां की जाती हैं। और पिछली बार खूब प्रार्थना कथा के माध्यम से आप सबके चरणों में की गई थी कि भैया 24 घंटे नहीं, लेकिन 24 घंटे में कम से कम आधे घंटे का अवसर ऐसा होना ही होना चाहिए, चाहे जितने आवश्यक कार्य हो रहे। आप स्वयं विचार करिए, जिस समय में प्रभात फेरी होती है घर में, उस समय आप ऐसा कौन सा काम करते हो जो प्रभात फेरी से ज़्यादा श्रेष्ठ है और ज़्यादा आवश्यक है, बताइए। अगर ऐसा कोई कार्य हो तो कल से प्रभात फेरी बंद कर दी जाए, सब वही काम करें कि भाई ये उससे ज़्यादा ऊँचा है और ज़्यादा आवश्यक है। ऐसा कोई कार्य आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, या तो प्रपंच में समय निकल जाएगा या सोने में समय निकल जाएगा। कितना सुंदर अवसर होता है सुबह सुबह का आधे घंटे का समय, भगवान नाम संकीर्तन के साथ हमारे दिन की शुरुआत हो रही है, इतने वैष्णवों का दर्शन सहज में प्राप्त हो रहा। कहाँ जाओगे उन भक्तों के दर्शन करने, क्या घर घर घूमोगे? भक्तों का एक समूह मिल रहा है, भगवान नाम के साथ मंगलमय दिन का शुभारंभ हो रहा है, मानव जीवन का सदुपयोग हो रहा है। इससे सुंदर कार्य और क्या हो सकता है संसार में, और अपना ही नहीं। उद्धव जी महाराज जिस समय ब्रज में आए हैं, उन्होंने ब्रज में यही दर्शन किया, वंदे नंद व्रजस्त्री नाम पाद रेणुम अभीक्षणशः। मैं तो इन ब्रज की स्त्रियों के चरण रज की वंदना करता हूँ। उद्धव जी जैसे ब्रह्म ज्ञानी साक्षात देवताओं के गुरु हैं, साक्षात देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के शिष्य हैं, भगवान के परम प्रिय सखा हैं, और वे उद्धव जी महाराज ब्रज की स्त्रियों को कहते हैं, मैं इनको इनके चरण छूने का भी अधिकारी नहीं हूं, मैं तो दूर से इनकी चरण रज को प्रणाम कर लेता हूं। ऐसा क्या था उन ब्रज की स्त्रियों में? सामान्य स्त्रियां थी ब्रज की, कोई ऐसा नहीं विशेष वर्ग था, विशेष वर्ण था, सामान्य ब्रज की सब स्त्रियां। यासाम हरि कथोद गीतम पुनाति भवनत्रयम्। जिस समय इनके श्री मुख से हरि गीत निकलता है, कृष्ण गीत निकलता है, तो इनके मुंह से निकली हुई वायु सारी त्रिलोकी को पवित्र बना देती है। कैसी थी ब्रज की स्त्रियां, कैसा था ब्रज, आप भी वही सब पूज्य ब्रजस्त्रियां बन सकती हैं। ये नगर, ये शहर ही पूरा ब्रज का ब्रज बन सकता है। ब्रज के कैसे स्वरूप को देखा उद्धव जी महाराज ने जब ब्रज में गए। जागे पुजारी हरि मंदिरों में, लागे सुनावर प्रभु को प्रभाती।
सारा ब्रज ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाता था। हम लोग सात सात आठ आठ बजे तक सो कर ना उठे, पशु पक्षी भी समय से उठ जाते हैं। मनुष्य के जीवन में कोई नियमितता ही नहीं है। हर मंदिर से जागे पुजारी हरि मंदिरों में, ये पुजारी कौन है, वो मंदिर कौन है? ब्रज का हर घर मंदिर था, ब्रज की वे गोपियां ही पुजारिन थी। हर घर से ऐसा लगता था जैसे ब्रज नहीं मंदिरों का समूह है। हर घर से कृष्ण गीत की ध्वनि आ रही है, हर घर से कृष्ण संकीर्तन की ध्वनि आ रही है ब्रह्म मुहूर्त में। जागे पुजारी हरि मंदिरों में, लागे सुनावर प्रभु को प्रभाती। हे दीन बंधो अब नींद खोलो, राधा रस कृष्ण राधा बिहारी। गोविंद गोपाल मोहन मुरारी, राधा रस कृष्ण बना लिया, अपना चलना फिरना भी भजन बना लिया। चल भरने को गोपी चली है, चल भरने को गोपी चली है, कागर उठा कर यमुना निकली, ब्रज में आकर पानी भरने गोपियां जा रही हैं तो भी कृष्ण गीत गाते हुए जा रही हैं। यासाम हरि कथोद गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। और जिस समय गोपियों के मुंह से वो कृष्ण गीत निकलता था, कृष्ण नाम प्रकट होता था, उस कृष्ण नाम से सारा विश्व नहीं सारी त्रिलोकी का मंगल होता था। आप लोगों के माध्यम से केवल आपका ही कल्याण नहीं, संपूर्ण समाज, संपूर्ण शहर, संपूर्ण राष्ट्र ही नहीं, जगन मंगल मंगसाम, सारे जगत का मंगल आप लोग कर रहे हो। जो लोग प्रभात फेरी में जाते हैं पूरे जगत की सेवा कर रहे हैं, पूरे संसार की सेवा कर रहे हैं। सारे विश्व का मंगल करने वाला एकमात्र उपाय है भगवान का मंगलमय संकीर्तन। हमारे
विश्वास होना चाहिए भाई। हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री बाबा महाराज कथा के पूर्व जैसा कि आप लोगों को बताया जा रहा था वहाँ की गतिविधियों के वहाँ के प्रकल्पों के विषय में, आज केवल प्रदेश की ही नहीं पूरे देश की पूरे राष्ट्र के लिए एक आदर्श एक प्रेरणाप्रद गौ सेवा जो श्रीमान मंदिर सेवा संस्थान के माध्यम से हो रही है। 60,000 गौवंश किसको कहते हैं, एक गैया घर में रखकर देखो तो पता चलेगा कि 60,000 गौवंश की सेवा कैसे होगी। भिक्षा मांगकर खाने वाले संत रहते मान मंदिर में, कोई वहां भोज नहीं होते, भंडारे नहीं होते, मधुकरी मांगते हैं संत लोग खाके और भजन करते हैं। तो कई बार लोग संशय प्रकट करते हैं, जिज्ञासा भी करते हैं कि इतना बड़ा कार्य कैसे चल रहा है, पूरे भारतवर्ष की सबसे बड़ी बृहत्तम गौशालाओं में एक गौशाला है, अनूठी, न जिसके लिए कहीं चंदा इकट्ठा किया जाता है, न कोई डोनेशन मांगा जाता है, कैसे चल रहा है। तो पूज्य बाबा महाराज कहते हैं एक शब्द में, बोले केवल भगवान के नाम से चल रहा है। राधा रानी ब्रज यात्रा में 15,000 यात्री हर वर्ष 40 दिन तक निःशुल्क ब्रज यात्रा उन लोगों को कराई जाती है, सब सुविधाएं दी जाती हैं। एक बार कुछ प्रेस के लोग पहुंचे वहां, लोगों ने प्रश्न किया इतना बड़ा कार्य कैसे चल रहा है। अच्छा, उस यात्रा में 24 घंटे हरिनाम संकीर्तन होता है, 24 घंटे कीर्तन, गौशाला है, जब से गौशाला खोली है 24 घंटे कीर्तन गौशाला में हो रहा है। ये विश्वास की बात है, विश्वास। ये सब बात हम आपको इसलिए नहीं बता रहे कि हमें आपसे कुछ चाहिए। आप भगवान नाम प्रभात फेरी जो चला रहे हो, ये कितनी बड़ी चीज है, ये कितनी बड़ी शक्ति है। सारे संसार और विश्व का मंगल भगवान नाम से कैसे हो सकता है, ये उसके उदाहरण है। तो कुछ लोगों ने पूछा जाकर, प्रेस के लोगों ने इंटरव्यू लिया, बोले इतनी बड़ी यात्रा 15,000 यात्री कहाँ से खा रहे हैं, आप तो खुद भिक्षा मांग के खाते हैं संत लोग। बाबा महाराज ने कहा भगवान नाम से चल रहा है। बोले कैसे विश्वास करें, बोले यहाँ कीर्तन हो रहा है, तुम भी 2 दिन बैठ के कीर्तन करो, सब पता चल जाएगा। बोलना एक अलग बात है, लेकिन नाम में ऐसी दृढ़ निष्ठा और ऐसा अखंड विश्वास यदि हो तो ये सब चमत्कृतियां आज भी होती हैं, ये सब चमत्कार आज भी हो रहे हैं। दाहोद से बहुत से लोग गए थे जिन्होंने इस गौशाला का दर्शन किया, सब लोग बैठे हैं। झूठ बोल रहे हैं तो इनको पूछ लेना, और ना भरोसा हो तो आप स्वयं आके देख लो। केवल और केवल श्री भगवान नाम के प्रभाव से। अभी जो सज्जन कह रहे थे कि ये मुरलिका जी के माध्यम से जो कथाएं होती हैं उनसे ये सब होता है, इस बात में सच्चाई नहीं है। इस बात में सच्चाई इसलिए नहीं है क्योंकि आज उस गौशाला में एक दिन का आप खर्चा जानना चाहेंगे ना, 25,00,000 का खर्चा है एक दिन का। कथाओं में हाँ तो हम लोग के तो किसी से मांगते नहीं, और कोई मांग भी ले तो कितना मांग के पूरा करेगा।
अगर कोई मांग के गौशाला चलाता तो गौशाला 100 गैया नहीं रख सकते थे, लेकिन वो गौशाला, क्योंकि वहां किसी से कुछ मांगा नहीं जाता, वो केवल और केवल भगवान नाम के भरोसे ही चल रही है, इसलिए वो चल रही है। एक दिन 25 लाख ना तो कोई कमा सकता है, ना कोई मांगने से मिल सकता है, ना कोई दे सकता है, ये केवल श्री जी चला रही हैं, राधा रानी चला रही हैं, उनका नाम चला रहा है। ये सब भगवान नाम के अद्भुत चमत्कार हैं जो आज भी लोग देख सकते हैं। आज गौ सेवा हो गई, अब कल होगी कि नहीं ये राम जी जाने, लेकिन 12 वर्ष हो गए ठाकुर जी चला रहे हैं। 12 वर्षों में इतना विशाल उसका स्वरूप हो गया, जो 2 गैयाओं से शुरुआत हुई थी 2007 में, तो पूज्य महाराज जी ने जिस दिन उसकी नींव डल रही थी, शिलान्यास हो रहा था, तो पूज्य महाराज जी ने कहा था कि यदि त्याग से और ईमानदारी से तुम लोग केवल विशुद्ध सेवा का ही भाव लेकर चलोगे तो केवल भारतवर्ष की नहीं, ये विश्व की प्रसिद्ध और विश्व की सबसे विशाल गौशाला होगी। और 12 वर्षों में देखो 60,000 गैया। हाँ, इतना अवश्य है वहां के जितने भी संत हैं, साधक हैं, उनके अंदर बड़ा त्याग है, ईमानदारी है, सच्चाई है। जो लोग वहां सेवा करते हैं वो लोग उन गायों का दूध भी नहीं पीते, ऐसे ऐसे अद्भुत उदाहरण भी वहां है। बताओ, आज तो घरों में गैया भी मिलती हैं तो केवल इसलिए मिलती हैं कि दूध मिलता है। कहीं घरों में आपको बछड़ा या वृषभ पालन दिखाई देता है? कौन घरों में बछड़े और बैलों को रखता है? आज भारतवर्ष में जो गोवध हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा वत्सों की और वृषभों की हत्या हो रही है। और हमारे पूज्य बाबा महाराज की कृपा से उस गौशाला में 65,000-60,000 गायों में लगभग 25,000-30,000 बैल और बछड़ों की संख्या है। तो कोई ये भी नहीं कह सकता कि दूध के लोभ से सेवा हो रही है। बाकी की गाय हैं, कोई बीमार हैं, कोई कत्ल खाने से लाई गई हैं, मुश्किल से 300-400 गाय दूध देती हैं 60,000 गायों में से। तो दूध का प्रलोभन से सेवा नहीं हो रही, सेवा सेवा के लक्ष्य से हो रही है। ये सब भगवान नाम का प्रभाव है। इसलिए भैया आप लोग जो ये दैनिक महोत्सव भगवान का करते हो ना शहर में प्रभात फेरी, पूरे विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ उसको पकड़े रखना। ये छोटा मोटा काम नहीं है, ये साधारण वस्तु नहीं है, भगवान की अहेतु की कृपा है, हम लोगों को मिल गया है। हमारी चमड़े की जीव भगवान के दिव्य चिन्ह में नाम को ले पा रही है, ये भगवान की कृपा है। नहीं तो थूक लार में सनी हुई इस चर्म जिह्वा को विशुद्ध भगवान नाम लेने का अधिकार कहाँ है? लेकिन ये जीव नाम ले पा रही है, कृपा है। नाम के प्रति थोड़ा भी अनुराग यदि हमारा है, ये उनकी कृपा है। सुबह सुबह 25-30 मिनट हम प्रभात फेरी में आने के लिए व्याकुल हो जाएं, ये उनकी विशेष कृपा है। इस कृपा का महत्व समझते हुए इस कृपा को हम लोग संजोते रहें, इस कृपा का हम लोग यथा सामर्थ्य लाभ लेते रहें, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। भगवान नाम के विषय में इसलिए आप लोगों को कहा क्योंकि ये कथा भी उस प्रभात फेरी के एक तरह से क्या, प्रभात फेरी के वार्षिक महोत्सव के रूप में ही हो रही है, क्योंकि वर्ष हो ही आया, हो गया होगा। अब
एक वर्ष पूरा होने का मतलब ये नहीं कि कोई एक वर्ष का आपने संकल्प लिया था तो अब कोई पूर्णा होती हो रही है प्रभात फेरी की। ये वार्षिक महोत्सव शताब्दी महोत्सव के रूप में मने, 50 साल पूरे होने के, 100 साल पूरे होने के उत्सव के रूप में मने। सदियों सदियों तक ये नाम संकीर्तन रूपी दैनिक महोत्सव होता रहे, संसार का कल्याण करता रहे, जीवों को लाभ देता रहे, ऐसी श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना है और आप सबके चरणों में प्रार्थना है। क्योंकि ये होगा आप लोगों के कारण ही, आप लोगों के माध्यम से ही यह होगा। हम तो प्रार्थना करके चले गए, आप ना चलाते तो हम क्या करते, लेकिन आप लोगों ने चलाया, आप लोगों ने प्रार्थना को माना, इसलिए हमने कहा कि बहुत सफल कथा रही। और इस वर्ष की कथा भी आप सबके माध्यम से निश्चित रूप से सफल होगी, प्रभात फेरी में संख्या बढ़ेगी। जिन फेरियों में नहीं, हम कोशिश करेंगे कि उनमें भी जाएं, वहां भी संख्या बढ़े। और यही कथा की सच्ची सफलता है, यही सफलता है, सच्ची सफलता। अगर कथा के माध्यम से वक्ता और श्रोता का भक्ति और कल्याण से संबंध न हो तो भीड़ तो भैया नौटंकियों में भी भीड़ होती है, सिनेमा हॉल में भी भीड़ होती है। भीड़ कोई सफलता का कारण नहीं है। हमारा अपने कल्याण के प्रति हम कितने सजग हुए, हम भगवत भक्ति के प्रति कितने सचेत हुए, हमारे अंदर कितनी जागृति आई इस कथा के बाद, हमने अपने जीवन में किस तरह का परिवर्तन लाने का विचार बनाया, निश्चय किया, ये सब बिंदु जो हैं ये कथा को सफल बनाते हैं। कथा के माध्यम से ये सब सिद्धांत हम लोग अब सुनेंगे ही। कथा हमारी शास्त्र का ऐसा विधान है कि कथा के पूर्व कथा का माहात्म्य वाचन अवश्य होना चाहिए। कथा क्यों सुनी जाए, कथा सुनने से क्या लाभ होता है, कथा का जीवन में क्या योगदान है, क्या आवश्यकता है, ये सब बातें महात्म्य श्रवण से पता चलती हैं। श्री वेदव्यास जी महाराज हमारे सनातन साहित्य के जो सबसे बड़े चिंतक, सबसे बड़े लेखक, जिनके साहित्य के द्वारा संसार का महान उपकार हुआ, भगवान के 24 अवतारों में हैं श्री वेदव्यास जी महाराज। और उन्हीं श्री व्यास जी महाराज की ये बड़ी अनुपम कृति है, बड़ी विलक्षण रचना है श्रीमद् भागवत। मंगलाचरण करते हुए भगवान का स्मरण किया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण की हम सब शरण लें, उनको प्रणाम करें, क्योंकि वे भगवान विश्वोत्पत्यादि हेतवे सारे संसार के निर्माता हैं, पालक हैं, संहारक हैं। ये संसार भगवान के होने का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस संसार के बनाने वाले, रचना करने वाले कौन हैं? भगवान हैं। बिना बनाए तो एक मिट्टी का बर्तन भी नहीं बनता, उसका भी कारण होता है, कोई कुम्हार उसको बनाता है। तो बिना बनाए इतना बड़ा संसार के अपने आप
उत्पन्न हो जाएगा। आधुनिक विज्ञान कहता है नहीं, संसार को बनाने वाला भगवान नहीं, पर कोई ना कोई शक्ति है। आधुनिक विज्ञान भी इस बात को मानता है। आज विद्यालयों में बिग बैंग थ्योरी पढ़ाई जाती है बच्चों को कि एक विस्फोट हुआ था तब संसार बना। उस विस्फोट को करने वाला कौन था? परमाणुओं से परमाणुओं को जोड़ने वाला कौन था? उसका भी कोई ना कोई कारण था, वो भगवान था। सूर्य चंद्र को कौन बनाएगा? इतने बड़े बड़े पर्वत हैं, इनको कौन बनाएगा? समुद्र को कौन बनाएगा? ये सब बड़ी विचित्र कृतियां हैं, रचनाएं हैं, जिनको देखकर लगता है कि इसको बनाने वाला कोई मनुष्य तो नहीं हो सकता। कब से सूर्य चंद्र प्रकाश दे रहे हैं, इनका कभी प्रकाश ही कम नहीं होता है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने तो जो विद्युत को बनाया, बिजली को बनाया, वो लाइट तो कभी डिम भी हो जाती है, कभी फ्यूज भी हो जाती है, लेकिन सूर्य चंद्र कभी फ्यूज हुए क्या? कभी प्रकाश कम नहीं होता है। समय से उदित हो रहे हैं, समय से अस्त हो रहे हैं। एक कितनी व्यवस्थित सृष्टि है, ये किसके संचालन में इतनी सुंदर व्यवस्था हो रही है? श्री ठाकुर जी के संचालन में। वे ही इसके निर्माता हैं, वे ही संचालक हैं, वे ही व्यवस्थापक हैं, वे ही पालक हैं और वे ही संहारक भी हैं। विश्वोत्पत्यादि हेतवे। आस्तिकता के लिए पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है कि कोई बहुत श्रुति शास्त्र पढ़े जाएं तभी विश्वास होगा कि भगवान है, ऐसी बात नहीं है। जिन्होंने कुछ पढ़ा लिखा नहीं, उन्होंने भी भगवान के अस्तित्व को देखा, उन्होंने भी भगवान का अनुभव किया, उन्होंने भी इस कार्य रूप सृष्टि के कारण भगवान को माना, भगवान की सत्ता को स्वीकार किया। मूढ़ लोगों के नकार देने से ईश्वरीय सत्ता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई उल्लू यह कह दे संसार में उठ के कि सूर्य नाम की कोई चीज नहीं होती क्योंकि मुझे दिन में दिखाई नहीं पड़ता, तो क्या एक उल्लू के नकारे जाने से सूर्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता है। इसी तरह कोई मूढ़ व्यक्ति यह कह दे कि भगवान नाम की कोई सत्ता संसार में नहीं है, अरे हम तो आधुनिक विज्ञान के माध्यम से इस तरह से पढ़े हैं, ये तो परमाणु से परमाणु मिलते हैं, सृष्टि बनती है बिगड़ती है, ये कोरी मूर्खता है। श्री वेदव्यास जी महाराज कह रहे हैं विश्वोत्पत्यादि हेतवे, इस विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार के एकमात्र जो हेतु है, कारण है, वो कौन है? भगवान है। तापत्रय विनाशाय, उनकी शरण पकड़ लो हे संसार के जीवो, शरण नहीं पकड़ी तो तापत्रय में पीड़ित रहोगे, जलते रहोगे। सर्दी पड़ रही है, दूर आग जल रही है, और कोई मूर्ख व्यक्ति आग का आश्रय न ले, दूर बैठा बैठा कप कपाता रहे, कांपता रहे, सिकुड़ता रहे, तो मूर्खता है। अरे जाके तू अग्नि की शरण ले ले तो तेरे सब सर्दी का कष्ट दूर हो जाए। वही स्थिति हम लोगों की है संसार में, तापों में पीड़ित हैं। कोई कैसे ताप से पीड़ित है, कोई कैसे ताप से पीड़ित है, लेकिन भगवान की शरण नहीं ले सकते। अग्नि का आश्रय नहीं लेगा तो सर्दी में तो कांपना पड़ेगा ही, ऐसे भगवान का आश्रय नहीं लेंगे तो इस दुख रूप संसार के दुख हमें पीड़ित करते ही रहेंगे। गोस्वामी श्री दयाल जी महाराज ने बहुत ही सुंदर भाव कहा है, अस प्रभु अक्षत हृदय अविकारी, अस प्रभु अक्षत हृदय अविकारी।
ही ना माने तो जैसे किसी साग सब्जी बेचने वाले व्यक्ति को हीरा मिल जाए तो जीवन भर भी उसके पास हीरा रहे तो भी वो जीवन भर साग सब्जी बेचेगा, क्योंकि उस साग सब्जी बेचने वाले को हीरे की कीमत क्या पता। जो 10-20 रुपया की मूली गाजर को बेच रहा है, उसको जाकर कोई पूछे भाई हीरे का क्या कीमत चल रही है बताओ, अरे 10-20 रुपए के गाजर मूली का भाव करने वाले को तुम हीरे की कीमत पूछ रहे हो, कभी नहीं बता पाएगा। उसके पास साक्षात हीरा रखा भी होगा तो भी वो उस हीरे से, क्योंकि कीमत नहीं जानता, लाभ नहीं ले पाएगा। वो अपने दारिद्र के दुख को दूर नहीं कर पाएगा। वही स्थिति हम लोगों की है। ये सुंदर मानव जीवन दिया, ये सुंदर जिह्वा दी, ये सुंदर वाणी दी, ये सुंदर कान दिए, और भगवान नाम जैसा सुंदर हीरा भी हम लोगों को भगवान ने प्रदान कर दिया। लेकिन विषयों में, मलमूत्र में सुख मानने वाले हम जैसे विष्ठाभोजी कीटों को भगवान के परम दिव्य मंगल में भगवान नाम की कीमत क्या पता। मलुकदास जी महाराज का पद है बड़ा सुंदर, नाम तुम्हारा निर्मला अनमोलक हीरा, नाम तुम्हारा निर्मला अनमोलक हीरा, तुम स्वामी समर्थ हो मैं मलमूत्र को कीरा, नाम तुम्हारा निर्मला अनमोलक हीरा। हे नाथ, आपका जो परम दिव्य मंगल में नाम है, ये हीरे जैसा है, लेकिन मैं मलमूत्र के कीड़े जैसा हूँ। किसी मलमूत्र के कीड़े के हाथ हीरा लग जाए तो वो कीड़ा क्या उस हीरे का लाभ ले पाएगा? कभी नहीं ले पाएगा। तो ऐसा ही समझो मुझे, मलमूत्र के कीड़े के हाथ भगवान नाम रूपी दिव्य मणि पड़ गई है, इसलिए हे नाथ मैं इसका लाभ नहीं ले पा रहा हूं। मलुकदास जी महाराज का भाव है, यही बात आगे भागवत महात्म्य में श्री सूत जी महाराज कहेंगे शौनक जी को। शौनक जी ने कुछ प्रश्न किए सूत जी से, जीवों के चित्त की शुद्धि का उपाय क्या है, संसार में पवित्र साधनों में भी सबसे पवित्र साधन क्या है,
भगवान को सबसे जल्दी प्राप्त करा देने वाला साधन क्या है? मनुष्य को आसरी स्वभाव से और माया मोह से पीछा छुड़ाने का उपाय क्या है? आप कृपा करके बताएं। तब श्री सुखदेव जी महाराज, श्री सूत जी महाराज ने शौनक जी को कहा, शौनक जी, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम, संसार का भय छुड़ाने वाला, संसार के समस्त सदग्रंथों का सिद्धांत इकट्ठा किया जाए और उन सिद्धांतों का भी मंथन किया जाए। उन सिद्धांतों का मंथन करने के बाद भी जो सार वस्तु निकलेगी, मैं वो तुमको बताने जा रहा हूं। सावधान तया श्रुणो, सावधानी से सुनना, इतना ध्यान से सुनने वाले जिन शौनक जी के विषय में भागवतकार कह रहे हैं, रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत, कथारूपी रस का आस्वादन करने में जो बड़े कुशल थे, उन शौनक जी को भी सूत जी कह रहे हैं ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनो क्यों कहा? कि मैं जो बता रहा हूं ना, उसको पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण विश्वास से स्वीकार कर लेना, किंतु परंतु मत लगाने लगना। वो सार, वो रास्ता, वो साधन क्या बताया सूत जी ने? श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम् एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्ध्यैन विद्यते। श्रीमद्भागवत शास्त्र यानी श्री कृष्ण कथा, श्री कृष्ण नाम ही माया से छुड़ाएगा, मोह से छुड़ाएगा, चित्त शुद्ध करेगा, आसुरी स्वभाव से छुड़ाएगा, भगवान की अति शीघ्र प्राप्ति कराएगा। ये देखने सुनने में बहुत छोटा है, पर इसकी उपेक्षा मत करना। एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्ध्यैन विद्यते, इसके अलावा यदि तुम खूब खोजना ढूंढना भी चाहोगे तो भी तुमको इससे श्रेष्ठ और इससे सरल चित्त शुद्धि और भगवत प्राप्ति का दूसरा कोई रास्ता मिलेगा नहीं। मैं तुमको सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, संसार के सब सिद्धांतों का सार सुना रहा हूं। जैसे दूध का परिष्कृत रूप दही, दही का भी परिष्कृत रूप मक्खन, मक्खन का भी परिष्कृत रूप घृत होता है। श्री कृष्ण चर्चा, श्री कृष्ण नाम कल्याण के सब साधनों का परिष्कृत, सर्वोपरि परिष्कृत रूप है। जैसे दूध का जो सबसे परिष्कृत रूप होता है, सार रूप होता है, वो घी होता है। ऐसे ही हमारे सनातन धर्म के समस्त सदग्रंथों का अगर परिष्कृत रूप, सब ग्रंथों का घी अगर पकड़ना चाहो घी, तो वो घृत है भगवत कथा, भगवन नाम। चाहे शास्त्रों का अनुशीलन करके पकड़ो उसे, या संतों ने कह दिया तो उनकी बात पर विश्वास करके पकड़ लो, जिस भी तरह समझ में आ जाए पकड़ लो। अरे जिस समय सुखदेव जी महाराज के पास परीक्षित जी को कथा सुनाने बैठे तो देवता अमृत कलश लेकर आ गए। परीक्षित जी ने कहा, सुखदेव जी ने कहा देख लीजिए परीक्षित जी, ये देवता कहते हैं कि अमृत परीक्षित जी को पिला दो, हमें कथा दे दो। तो ऐसा समझो उस अमृत कलश के रूप में परीक्षित जी के सामने प्रश्न पत्र रख दिया सुखदेव जी ने। अभी तुम्हारी परीक्षा है, अमृत लेना चाहते हो कि कथा लेना चाहते हो? अमृत लेना है तो ले लो भाई, देवता लेकर आए हैं, और कथा लेनी है तो छोड़ो लोभ, बैठ जाओ एक आसन पर, हम तुम्हें कथा सुनाएंगे। देवता अमृत कलश लेके आए हैं, कितनी कीमती वस्तु है। जो अमृत समुद्र मंथन से निकला, जिस अमृत के लिए भगवान को एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन अवतार लेने पड़े समुद्र मंथन के समय,
कूर्मा अवतार लिया, धन्वंतरी अवतार लिया, फिर अमृत बांटने के लिए मोहिनी अवतार लिया। तीन तीन अवतार भगवान ने जिस अमृत के लिए लिए, फिर भी देवताओं के हाथ नहीं लगा, दैत्यों ने छीन लिया। जिस समय गरुण जी महाराज अपनी माता को दासता से मुक्त कराने के लिए अमृत लेने गए हैं और उस अमृत को जब छीना है देवताओं से, जब गरुण जी अमृत लेकर आए हैं, तो उस अमृत की बूंदें जहां छलक गईं उन स्थानों पर आज तक उन्हीं योगों पर, जब वही समय का योग होता है, वही सब नक्षत्र आदि का योग बनता है, तो आज भी बारह बारह वर्ष में हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैन में, प्रयाग में महाकुंभ का पर्व लगता है। महाकुंभ का पर्व क्यों लगता है? जरा जरा सी बूंदें छलकी थी वहां। सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व लगता है। वही अमृत बिना छीने, बिना लड़ाई किए, बिना प्रयास किए, बिना इच्छा किए, पूरा का पूरा घड़ा भर के, पूरा का पूरा सुधा कुंभ लेकर देवता आ गए सुखदेव जी के सामने। लीजिए, ये दे दीजिए परीक्षित जी को, एकांत बूंद नहीं, पूरा का पूरा घट पिला दीजिए परीक्षित जी को। परीक्षित जी को सुखदेव जी ने संकेत किया, अब ये तुम्हारी परीक्षा का समय है, ये पीना है कि ये पीना है, स्वर्गीय अमृत पीना है कि कथामृत पीना है। परीक्षित जी ने उस अमृत के प्रति तटस्थ भाव दिखाया, कोई लेना देना नहीं, उस अमृत से क्या करेंगे। जिस अमृत को पीने के लिए सब में झगड़ा हो गया था, अहम पूर्वम, मैं पहले पीऊंगा, मैं पीऊंगा, समुद्र मंथन के समय में ना देवता माने ना दैत्य माने, भगवान को मोहिनी रूप लेना पड़ा। परीक्षित जी तटस्थ भाव से कह रहे, मुझे क्या प्रयोजन इस अमृत से। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचह क्व मणिर महान, कहां कथा और कहां सुधा। ऐसा समझो जैसे एक ओर कांच का टुकड़ा रख दिया जाए चमकता हुआ, दूसरी ओर महामूल्य मणि को रख दिया जाए। अब कांच का टुकड़ा कितना भी चमके, पर कांच का टुकड़ा कांच ही रहेगा, वो मणि थोड़ी हो जाएगा। ये स्वर्गीय अमृत चाहे जितना देवत्व प्रदान कर दे, भूख प्यास न लगने दे, स्वर्गीय वैभव और विषय प्रदान कर दे, पर ये भगवत प्राप्ति तो नहीं करा सकता, ये मानव जीवन का परम फल तो नहीं दे सकता। मुझे क्या प्रयोजन, मुझे कोई लेना देना नहीं इस अमृत से। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए, धन्य हो परीक्षित जी, आप अपनी परीक्षा में सफल हो गए। मानो परीक्षित जी वहां सुखदेव जी को निवेदन करना चाहते हैं, हे नाथ, अमृत नाम की वस्तु तो इस संपूर्ण विश्व और ब्रह्मांड में केवल एक ही है। अमृत केवल एक ही वस्तु को कहा जा सकता है। तव कथामृतं तप्त जीवनं कवेभिरीडितं कल्मषापहं। संसार में अमृत जो नाम है, अमृत माने मृत माने मरा हुआ, और अमृत अर्थात जो मृत जैसी परिस्थिति को कभी पैदा ही ना होने दे, मरने की परिस्थिति को कभी पैदा ही ना होने दे, वो अमृत है। और जन्म मरण, शरीर के जन्म मरण से भक्त घबराते नहीं हैं, कभी नहीं घबराते। अगर शरीर के जन्म मरण से भक्त घबराते होते तो बताइए
जिन श्री मुचकुंद जी महाराज को द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो गया था, फिर वे मुचकुंद जी भगवान को यह क्यों कहते, हे नाथ मैं कलयुग में जन्म लेकर भक्ति के द्वारा आपको प्राप्त करूं, और वे ही मुचकुंद जी कलिकाल में नरसिंह मेहता के रूप में प्रकट हुए। अगर भक्त जन्म मरण से घबराते तो सारूप्य मोक्ष चाहकर भगवान के लोक चले जाते ना मुचकुंद जी। साक्षात भगवान का दर्शन मुचकुंद जी को हो गया था। भगवान ने कहा क्या चाहते हो मुचकुंद? बोले ऐसे प्राप्ति नहीं चाहता कि सो के जगा और आप दिखाई पड़ गए, अरे इतनी सहज प्राप्ति हो गई और कहता मुझे प्राप्ति नहीं है। बोले आपकी प्राप्ति तो हो गई पर मुझे भजन का सुख तो नहीं मिला, मुझे भक्ति का सुख तो नहीं मिला, तो मुझे कलिकाल में जन्म दो, उस काल में जन्म दो जिस काल में कलु खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा, बहुत भगवत भक्त होंगे, चारों ओर कृष्ण भक्ति की धारा प्रवाहित होगी, ऐसे कलिकाल में जन्म दीजिए मुझे और मैं भजन का भक्ति का सुख प्राप्त करते हुए आपको पाऊं, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तब वही मुचकुंद जी कलियुग में नरसिंह जी के रूप में आए, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 52 बार भगवान को पाया इसी कलयुग में। उनके बुलाने पर 52 बार भगवान आए। अब 52 बार आए तो सीधी सी बात है, नरसिंह जी के साथ श्री ठाकुर जी की 52 लीलाएं तो हुई हुई होंगी। नरसिंह जी का चरित्र जहां भी मिलता पूरा नहीं मिलता, केवल 2-3 चरित्र ही प्रकाशित हुए। नानी बाई का मायरा प्रकाशन में आ गया, सांवरिया सेठ बनकर आयो, हुंडी को झुकाया, वो लीला चरित्र प्रकाश में आया। बेटे की बारात में गए श्री ठाकुर जी द्वारिकाधीश, वो चरित्र केवल 2-4 लीला ही प्रकाश में आई। नरसिंह जी का संपूर्ण चरित्र तो संसार में प्रकाशित है ही नहीं। 52 बार भगवान आए इसी कलिकाल में। एक संत हुए श्री दरिया जी महाराज, उनका पद है, अमृत नीका कहे सब कोई पर पिए बिन अमर ना होई। अरे अमृत है, अमृत है, ऐसा सुनने को तो मिलता है, पर जब तक अमृत पीने को ना मिले, अमृत अमृत चिल्लाने से कोई अमर होगा? कभी नहीं हो सकता। पिए बिन अमर ना होई, अब पिए तो कहाँ से पिए, कहाँ से लाए अमृत, कहाँ रखा है अमृत? ये अमृत नाम की वस्तु कौन से ब्रह्मांड के किस कोने में रखी हुई है? तो श्री दरिया जी महाराज कह रहे हैं, कोई कहे अमृत शशि महावास, घटे बढ़े क्यों होवे नाश। कोई कहता अमृत चंद्रमा में है, अगर चंद्रमा में अमृत होता तो चंद्रमा में, चंद्रमा की कलाएं देखो कभी घटती हैं कभी बढ़ती हैं, प्रथमा से पड़वा से पूर्णिमा तक तो बढ़ता है चंद्रमा और फिर उसके बाद घटना शुरू हो जाता है। अगर चंद्रमा में ही अमृत होता तो चंद्रमा में ये घटने बढ़ने का क्रम क्यों होता, एक जैसी स्थिति रहती ना। कोई कहे अमृत बसे पाताल, नरक अंत निस्त ग्रासे काल। कोई कहता पाताल में अमृत है, आत्यंतिक प्रलय में तो ना पाताल का पता चलता है ना किसी लोक का पता चलता है, ये सब के सब लोक नष्ट हो जाते हैं। अमृत होता तो ये सब लोक बने रहते ऐसे कैसे। कोई कहे अमृत समुद्र माही, बड़वा अग्न क्यों सोखे ताही। कोई कहे समुद्र में अमृत है, भाई समुद्र मंथन से ही तो निकला अमृत, तो समुद्र में है। जब महाप्रलय का समय आता है तो उस समय बड़वा नल लगती है, बड़वा नल प्रलय की आग, ऐसी प्रचंड आग होती है कि वो समुद्र को सुखा देती है। धरती एक कोने में है, तीन कोने में, तीन अंशों में, तीन चरणों में जल ही जल है, लेकिन बड़वानल ऐसी आग होती है प्रलय अग्नि कि उस प्रलयाग्नि से सारा का सारा समुद्र का जल सूख जाता है। अगर समुद्र में अमृत होता तो बड़वानल समुद्र को सुखा क्यों पाती? कोई कहे अमृत स्वर्गा माही, देव पिए क्यों फिर जाही। कोई कहता भाई अमृत तो देवता लोग ले गए, स्वर्ग में अमृत है। अगर स्वर्ग में अमृत होता तो हिरण्यकश्यप के डर के मारे देवता भागते हैं, कभी रावण के डर के मारे देवता भागते हैं,
कभी हिरणाक्ष की गदा से डर के भागते, देवताओं के पास स्वर्ग में अमृत होता तो देवता क्यों भागते। यानी जो स्वर्गीय अमृत है वो भी अमृत अमृत नहीं है। सब अमृत बातों का बात, अमृत तो है संतन पास, अमृत दरिया कथा अनंता, जाको पी पी अमर भय संता। ये अमृत कहाँ है? अमृत केवल भगवत भक्तों के पास में है, अमृत प्रभात फेरी करने वालों के पास में है, अमृत आप लोगों के पास में है। अमृत दरिया कथा अनंता, जाको पी पी अमर भय संता। और इस कथामृत नामामृत को जिन संतों ने पिया, जिन भक्तों ने पिया, वो कहीं किसी काल में उनका नाश नहीं हुआ। आप देखिए काकभुशुंडी जी महाराज कथा करते हैं, तीन तीन योजन दूर तक उनके पास माया फटक नहीं सकती। अमृत पीने वाले देवताओं को भागते हुए सुना है, लेकिन हनुमान जी महाराज को किसी ने भागते हुए सुना? नारद जी ने किसी को भागते हुए सुना? सुखदेव जी संकादिक महापुरुष को किसी ने भागते हुए सुना? किसी ने नहीं सुना, क्योंकि अमृत नाम की जो वस्तु है वो संसार में एक ही है, वो है कृष्ण नाम, वो है कृष्ण कथा। मीराबाई ने यह अमृत पिया, इस अमृत को मीरा जी ने पिया। बड़ा सुंदर मीरा जी का पद है, सांवरिया रंग राची राणा जी में तो सांवरे रंग राजी, राणा जी में तो सांवरे पिया है। ये उन महापुरुषों की मीराबाई का पद है। बोला करो सांवरिया रंग राजी, सांवरिया रंग राजी, राणा जी में तो सांवरिया रंग राजी, सांवरिया होकर भागा। कितनी परिस्थितियां मीराबाई के सामने आई, जहर पीने जैसी परिस्थिति, भूत महल में सोने जैसी परिस्थिति, शूलों की शैया पर सोने जैसी परिस्थिति, विषधर सर्प भेजा गया, लेकिन भक्त कभी भय से भागा नहीं। मीराबाई ने तो डटकर सामना किया है। मीराबाई स्वयं कह रही हैं, इन सब विषम परिस्थितियों में मैं भागी नहीं, इन परिस्थितियों में भी मैं नाचती रही। साज सिंगार बांध पग घूंघरू, साज सिंगार बांध पग घूंघरू, लोक
जो काल रूपी ब्याल माने सर्प से बाची माने वंचित रह गया, उसको काल रूपी सर्प छू नहीं सका, मीरा बाई को मृत्यु छू नहीं पाई। सारा संसार जानता है मीरा मरी नहीं, मीरा बाई को तो श्री द्वारिकाधीश ने निज अंग में लीन कर लिया था। मीरा तत्व मरा नहीं, ये नाम अमृत का प्रभाव था, ये कृष्ण नाम अमृत का प्रभाव था। गाय गाय हरि के गुण निश देना, गाय गाय हरि के गुण निश देना। मैं काल प्याल सो बाजी, मैं काल प्याल सो तक संसार मीठा लग रहा है। मीराबाई को श्री गिरधारी के प्रेम, गिरधारी के नाम के बिना सब संसार खारा लगता था। न किसी से बोलना अच्छा लगता है, न व्यवहार निभाना, न बात करना, न कुछ खाना, न सोना। उन बिन सब जग खारो लागत, उन बिन सब जग खारो लागत। के भय से मुक्त करा देने वाला भगवत कथा, भगवान नाम रूपी अमृत। और वही अमृत श्री परीक्षित जी महाराज ने श्री सुखदेव जी के श्रीमुख से उसका आस्वादन किया। स्वर्गीय अमृत की ओर देखा भी नहीं। अरे ये अमृत तो पतन उन्मुख है, जीव को पतन की ओर उन्मुख करने वाला है। इस अमृत को पीकर और विषयों में मन जाता है, दैवीय भोगों को भोगने की इच्छा होगी। कभी स्वर्ग आदि के वैभव को त्याग करने की इच्छा नहीं होगी। अरे भागवत अमृत, भागवत अमृत की तो बात ही छोड़िए। वेद व्यास जी मंगलाचरण में कह रहे हैं, धर्म प्रौज्जित कई तब उत्तर परमो निर्मत सराणाम सताम।
इस अमृत की महिमा तो निर्मत्सर संत ही समझ सकते हैं, स्वर्गीय देवता क्या समझेंगे बेचारे। स्वर्गीय देवता स्वर्ग का वैभव नहीं छोड़ सकते, स्वर्गीय विषय नहीं छोड़ सकते, और कृष्ण कथा का अमृत ऐसा है धर्मा प्रोज्जित, ये मोक्ष तक को त्यागने की इच्छा सिखाता है। जहां मोक्ष की इच्छा भी त्याज्य बन जाए, जहां भक्त को भगवत सेवा, भगवत भक्तों की सेवा के आगे मोक्ष भी फीका लगने लग जाए, ये ऐसी सामर्थ्य देने वाला है। तो स्वर्गीय अमृत और भगवत कथामृत का अंतर समझ लीजिए। स्वर्गीय अमृत को पीने के बाद विषयों को पकड़ने की इच्छा होगी, भोगों को पकड़ने की इच्छा होगी, और भगवत कथा भगवान नाम रूपी अमृत को पीने के बाद मोक्ष को भी छोड़ने की इच्छा होगी। स्वर्गादि के लोकों की इच्छा तो छोड़िए, ब्रह्मलोक की इच्छा छोड़िए, योगियों की सिद्धि छोड़िए, ज्ञानियों का जो एकमात्र प्राप्तव्य है वह मोक्ष भी श्रीमद् भागवत कथामृत, श्री कृष्ण कथामृत छोड़ना सिखाता है। यहाँ मोक्ष पाने की भी इच्छा नहीं होगी इस अमृत को पीने के बाद। तो दोनों अमृत के परिणाम में कितना बड़ा अंतर है। स्वर्गीय अमृत विषयोन्मुख करता है और कथामृत कृष्णोन्मुख जीव को करता है। इस अमृत को पीने के बाद कृष्ण प्राप्ति की इच्छा होगी, भगवान को पाने की व्याकुलता अंतःकरण में होगी, और स्वर्गीय अमृत को पीने के बाद विषयों को पाने की व्याकुलता अंतःकरण में होगी। परीक्षित जी ने कहा, मुझे भला इस अमृत से क्या प्रयोजन। तो अभक्तांस्ताश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्। अरे देवता भक्त नहीं है, भक्त होते तो बैठ के कथा सुनते, अमृत का घड़ाना लेकर आते। ये भक्त नहीं है, ये कथा की महिमा नहीं जानते, तो न ददौ स कथामृत। सुखदेव जी ने देवताओं को कथा दी ही नहीं। यहां सुखदेव जी के इस आचरण से ये स्पष्ट पता चलता है, सुखदेव जी महाराज ने कहीं यह बात नहीं कही कि भाई अमुक वर्ग ही कथा सुन सकता है या यही वर्ण कथा सुन सकता है, ये कथा में नहीं आ सकते, जिनको आमंत्रण नहीं पहुंचा वो नहीं आ सकते, या जिनको बुलाया गया है वही कथा में आए, ऐसी कोई बात कोई भागवत जी में स्पष्ट नहीं है, कुछ नहीं ऐसा विवेचना मिलती है। लेकिन न ददौ स कथामृतम्, इतने ऋषि मुनि सब संत महात्मा कथा में बैठे थे, सबको कथामृत दिया, देवताओं को कथामृत नहीं दिया सुखदेव जी ने। तो देवता हैं ये, मनुष्य हैं ये, राजा हैं ये, ऋषि मुनि हैं, ऐसा भेद कर दिया क्या सुखदेव जी ने? भेद नहीं किया। ऋषि सुन रहे हैं, महर्षि सुन रहे हैं, ब्रह्मर्षि सुन रहे हैं, राजर्षि परीक्षित जी सुन रहे हैं, भेद नहीं किया। लेकिन सुखदेव जी ने ये स्पष्ट अवश्य किया कि बाकी कथा कहने और सुनने के सब अधिकारी हैं, केवल एक व्यक्ति कथा कहने का और सुनने का अधिकारी नहीं है, जो कथा कीर्तन का विनिमय करता है। विनिमय माने जो कथा कीर्तन को बेचता है, जो कथा कीर्तन का सौदा करता है, वो कथा कीर्तन करने सुनने का अधिकारी नहीं है। आज सुखदेव जी जैसी मर्यादा में कहाँ कथाएं हो रही हैं, कथाएं कम हो रही हैं, सौदाबाजी ज्यादा हो रही है। इसलिए जो प्रभाव श्री सुखदेव जी महाराज की कथा में था, घर घर में कथाएं हो रही हैं तो भी वो प्रभाव कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। देवता लोग विनिमय करने आए थे, सौदा करने आए थे, अमृत ले लेंगे और कथा दे देंगे। सुखदेव जी ने कहा, आप अपना मार्ग पकड़िए, आपको तो कथा सुनने को भी नहीं मिलेगी। अब देवताओं को कथामृत का दान नहीं किया सुखदेव जी ने। इसलिए विनिमय करने वालों के मुंह से तो कथा का सुनना भी ऐसा है जैसे सर्प के
भयंकर कोई जहरीले सर्प के द्वारा जूठे कर दिए हुए दूध को पीना। किसी दूध में सर्प मुंह मार दे तो वो अमृत तुल्य दूध भी विष तुल्य हो जाता है, जहर बन जाता है। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जिन्होंने भारतवर्ष में जगह जगह श्रीमद् भागवत जी के पारण किए, जगह जगह अनुष्ठान किए, आज भी महाप्रभु जी की बैठक पूरे भारतवर्ष में जगह जगह है। वे प्रायः जहां भी भागवत जी का अनुष्ठान करते थे एक सिद्धांत अवश्य कहते थे, श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु का वो सिद्धांत था, सर्वदा पठनीयं वै श्रीमद्भागवत मादरात्, वृत्त्यर्थं नैव युञ्जीत प्राणकण्ठैर्गतैरपि। वल्लभाचार्य जी महाराज का सिद्धांत, महाप्रभु जी का, सर्वदा पठनीयं वै। श्रीमद् भागवत जी के सभी उपासकों को, चाहे वो वक्ता हैं चाहे श्रोता हैं, उनको ये सिद्धांत हमेशा याद होना चाहिए। श्रीमद् भागवत का सच्चा उपासक कौन है? जो सर्वदा पठनीयं वही श्रीमद् भागवतम आदरात्, जो नित्य हमेशा श्रीमद् भागवत जी का आदर पूर्वक सेवन करता है, यानी उसको कहता है या सुनता है या पढ़ता है या प्रणाम करता है, जो नित्य भागवत जी का आधे या चतुर्थ चरण का भी नित्य सेवन कर रहा है, लेकिन कैसे? सर्वदा पठनीयं वै श्रीमद् भागवत मादरात्, वृत्त्यर्थं नैव युञ्जीत प्राणकण्ठैर्गतैरपि। नित्य भागवत का सेवन कर रहा है लेकिन श्रीमद् भागवत जी का उपयोग वो कभी अपनी वृत्ति के लिए नहीं करता है। ऐसा नहीं कि भागवत जी को इसलिए पकड़ लिया क्योंकि वो भागवत से जीविका चले, अब भागवत धंधा का साधन बन जाए। वृत्त्यर्थम नैव युञ्जीत, जिसने जीवन में कभी भागवत जी को वृत्ति नहीं बनाया है, भागवत जी की उपासना जीवन निर्वाह के लिए नहीं की है, प्राण कंठ गतैरपि, वो भले ही भूखा क्यों नहीं मर गया, वो भले ही प्यासा क्यों नहीं मर गया, वो भले ही ऐसी विषमता में फंस गया कि उसके प्राण संकट की स्थिति पैदा हो गई, लेकिन फिर भी उसने जीवन में भागवत जी को कभी जीविका का साधन नहीं बनाया, वो श्रीमद् भागवत का सच्चा वक्ता है और सच्चा श्रोता है, वो भागवत जी का सच्चा उपासक है। ऐसे उपासक थे श्री सुखदेव जी महाराज, ऐसे उपासक हैं श्री सनकादिक महापुरुष जिन्होंने नारद जी को कथा सुनाई, ऐसे उपासक थे श्री सूत जी महाराज। हम लोग भागवत जी के उपासक नहीं हैं, हम लोग भागवत जी के दोहक हैं, भागवत जी का दोहन करने वाले हैं, भागवत जी के शोषक हैं, हम लोग भागवत के उपासक नहीं हैं। श्रीमद् भागवत जी के उपासक थे। एक बार ये सिद्धांत आचार्य श्रीमद् वल्लभ महाप्रभु कह रहे थे तो उनके कृपा पात्र श्री पद्मनाभ जी महाराज सद्गृहस्थ भक्त थे, उन्होंने एक बार इस सिद्धांत को सुन लिया, अब गृहस्थ हैं पेट पालने के लिए भी कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो कथा कहते थे, खूब कथा सुनाते थे, लेकिन जिस दिन से वो सिद्धांत सुना उसके बाद से श्री पद्मनाभ जी महाराज ने जीवन में कभी भागवत जी को जीविका की वृत्ति नहीं बनाया। दोनों स्त्री पुरुष
दिन में तो पद्मनाभ जी कृष्ण कथा कहते, भागवत कथा कहते, और कथा कहने के बाद दोनों स्त्री पुरुष जंगल में लकड़ी बीनने के लिए जाते थे, और उतनी ही लकड़ी बीनते थे जितने में पेट भर जाए। जीवन भर आजन्म पद्मनाभ जी महाराज ने भागवत कथा कही और आजन्म अपना पेट भरने के लिए लकड़ी बीनी। ये थे भागवत जी के उपासक। विनिमय करने वाले को भागवत जी की विषय में न कुछ कहने का अधिकार है, न कुछ सुनने का अधिकार है। आज कहां इस तरह से भागवत जी की उपासना हो रही है, संसार में कहीं नहीं दिखाई पड़ती। ऐसी उपासना देवता लोग विनिमय करने आए, देवताओं को कथा नहीं सुनाई सुखदेव जी ने। कथा सुनने के अधिकारी होंगे तो निष्काम चित्त होकर बैठेंगे। इसलिए भागवत जी के मंगलाचरण में व्यास जी ने कहा, निर्मत शरणम सताम, ये कथा हम जैसे लोगों के कहने सुनने की बात नहीं है, इसके अधिकारी निर्मत सर संत हैं। अपनी छोटी छोटी वासनाओं को नहीं छोड़ सकते हम लोग, छोटी छोटी इच्छाओं को नहीं छोड़ सकते हम लोग। ब्रह्मलोक के त्याग और मोक्ष के त्याग की तो बात ही बात है। ना ददौ सा कथामृतम, कथामृत नहीं दिया देवताओं को सुखदेव जी ने। शौनक जी ने जानना चाहा कि साप्ताहिक विधि कैसे प्रकट हुई। बोले, पूर्व काल में सनकादिक महापुरुष ने देवर्षि नारद जी को भक्ति ज्ञान वैराग्य की पुष्टि के लिए ये कथा सुनाई थी। एक बार नारद जी महाराज भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते नारद जी महाराज ने कलयुग से आक्रांत जीवों की दुर्दशा को देखा। लोग सत्य सदाचार से विहीन हो गए हैं, धर्म कहीं दिखाई नहीं पड़ता, कर्तव्य पालन दिखाई नहीं पड़ता, अन्न बेचने लगे हैं, धर्म बेचने लगे हैं, कथा कीर्तन को बेचने लगे हैं। कलयुग की इस भयावह स्थिति को देखकर श्री नारद जी महाराज बड़े व्याकुल हुए कि धर्म बिकने लगेगा, कथा कीर्तन बिकने लगेगा, तो लोगों के लिए कल्याण का अवलंब सहारा क्या रह जाएगा, कल्याण मार्ग पर लोग कैसे बढ़ेंगे। जिन चीजों से कल्याण की प्राप्ति होती है उन्हीं को लोग बेचने लगे हैं। अट्ट शूला जनपदा शिव शूला द्विजातयः, ब्राह्मण लोग धर्म बेच रहे हैं, अन्न बेचने लगे हैं लोग। तो इन सब चीजों का विक्रय देख के नारद जी बड़े मन में व्यथित हुए। सुंदर वस्तुएं संसार से विलुप्त हो रही हैं, सृष्टि के मंगलमय पदार्थ समाप्त हो रहे हैं। नारद जी ने स्वयं भक्ति देवी को कहा है, जिस समय भक्ति महारानी को ज्ञान वैराग्य सहित जर्जर अवस्था में नारद जी ने वृंदावन में यमुना किनारे देखा, भक्ति महारानी ने कहा, हे देवर्षे, द्रविड़ देश में दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ। हमारे भारतवर्ष में जितने भी आचार्य कोटि के महापुरुष हुए उन सबका जन्म प्राय दक्षिण भारत का है। उसका कारण है क्योंकि भक्ति का जन्म दक्षिण भारत में ही हुआ। तो भक्ति जहां से प्रकट हुई वहीं से भक्ति धर्म के आचार्य प्रकट हुए। दक्षिण भारत में भक्ति का जन्म हुआ, कर्नाटक में भक्ति बढ़ी, महाराष्ट्र में भक्ति को बहुत सम्मान मिला, और गुजरात में आकर भक्ति वृद्धावस्था को प्राप्त हुई। क्योंकि उस काल में जब नारद जी ये देखने आए हैं, उस काल में गुजरात में भक्ति नहीं थी। गुजरात में श्रुति धर्म और स्मृति धर्म का बहुत बोलबाला था, और श्रुति और स्मृति धर्म के इतने कट्टर लोग किसी काल में इस प्रांत में निवास करते थे कि वो भक्तों की और भक्ति धर्म की निंदा करते थे। ये कौन सा धर्म है,
माला पहन लिया, तिलक लगा लिया, मनमाना आचरण कर रहे हैं, भगवान नाम ले रहे हैं, न श्रुति धर्म मानते हैं, न स्मृति धर्म मानते हैं, वैदिक मर्यादा को ठीक ठीक रूप से नहीं मानते हैं, भगाओ इनको, भक्तों को टिकने नहीं देते थे गुजरात में, श्राउत स्मार्त लोग। तो भक्ति भागी वृंदावन आई, तो वृंदावन धाम की कृपा से उनको अपना यौवन मिला, खोई हुई जवानी मिली, तरुणावस्था मिली, शक्ति मिली, और वृंदावन में ही यमुना जी के किनारे नारद जी से भक्ति महारानी का मिलन हुआ। तब नारद जी ने वहां भक्ति देवी को कहा, हे देवी, आप शोकाकुल ना हो, दुखी ना हो, श्रृणुष्वा वहिता बाले युगोयम दारुण कली। हे बाले, ये दारुण कली युग है, दारुण से तात्पर्य इसको हटाया नहीं जा सकता, इसको भगाया नहीं जा सकता, इसका दमन नहीं किया जा सकता। तेन लुप्त सदाचार योग मार्ग तपांसी च, इस कलयुग ने ही योग मार्ग को खत्म कर दिया, सदाचरण को समाप्त कर दिया, विलुप्त कर दिया, गायब कर दिया। जना अघा सुरायन्ते शाठ्य दुष्कर्म कारण, लोग देखो मनुष्य होकर असुर बनते जा रहे हैं, शठता कर रहे हैं, दुष्कर्मों में प्रवृत्त होते जा रहे हैं। यह संतो विषीदन्ति प्रहृष्यन्ति ये साधव, इस कलयुग में यही होगा, जो दुष्ट लोग होंगे वो बहुत सुखी होंगे और जो सज्जन लोग होंगे उनको बहुत दुख उठाना पड़ेगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी सज्जनता को साधुता को छोड़ दें, फिर हम भी दुर्जनता दुष्टता पकड़ लें। धत्ते धैर्यम तु यो धीमान स धीरा पंडितोथवा, इस कलयुग में भी जो लोग धैर्य धारण करके रहेंगे, चाहे जैसी विषमता आ जाए, चाहे जैसी प्रतिकूलता आ जाए, लेकिन भगवान नाम को नहीं छोड़ेंगे, भगवत भक्ति को नहीं छोड़ेंगे, साधुता को नहीं छोड़ेंगे, वही सच्चे धीर लोग ही पंडितोथवा, वही ज्ञानी हैं, वही प्रबुद्ध हैं, वही पंडित हैं, वही पढ़े लिखे हैं, जो दारुण कलयुग में भी अपनी साधुता को, अपनी भक्ति धर्म के प्रति निष्ठा को जो छोड़ेंगे नहीं, वे ही पढ़े लिखे और सुधी जन कहे जाएंगे। हे देवी, इस दारुण कलयुग में अस्पृश्यानवलोक्येयम शेष भार करी धरा, धरती के मंगल पदार्थ नष्ट होते चले जाएंगे धीरे धीरे, ये धरती देखते देखते छूने योग्य तो क्या, देखने योग्य भी नहीं रहेगी, मंगलमय पदार्थ खत्म होंगे और सृष्टि की धरती की अमांगलिकता बढ़ेगी। वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते, हर वर्ष हर समय पृथ्वी की मांगलिकता समाप्त होगी कलयुग में, और वो होती हुई दिखाई पड़ रही है। अरे भैया, विचार करो, सृष्टि का सबसे मंगलमय पदार्थ क्या है, सृष्टि का सबसे मांगलिक जीव क्या है, सृष्टि का सबसे मांगलिक जीव है गौ माता। और नारद जी ने कहा कि मंगलमय पदार्थ और मंगलमय जीव खत्म होंगे कलयुग में। तो आज देख लो, अहिंसा धर्म प्रधान राष्ट्र में आज सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है, सबसे ज्यादा गौवध, सारे विश्व में सबसे बड़ी गौवध की मंडी के रूप में भारत को देखा जाता है। इससे बड़ी कलंक की इस राष्ट्र के लिए दूसरी क्या बात होगी। विश्व के जितने देश हैं उन सब देशों में सबसे ज्यादा गौमांस का निर्यात भारत करता है, सबसे ज्यादा गौमांस बेचता है भारतवर्ष। हमारे यहाँ मिद्रा की सुराही में अगर जल कोई राजा धोखे से भी कोई व्यक्ति पी लेता था तो उसको धर्म भ्रष्ट माना जाता था, शास्त्रीय मर्यादाओं के अनुसार, शास्त्रीय वाक्यों के अनुसार उसको प्राश्चित कर्म का विधान था, प्राश्चित कर्म कराया जाता था। राजा हुसैन शाह बंगाल में हुए हैं, राजा सुबुद्धि राय, एक बार हुसैन शाह ने अपने मदरा की सुराही में इनको धर्म भ्रष्ट कराने के लिए पानी पिला दिया, तो इन्होंने ब्राह्मणों से कहा कि मेरा लिए प्राश्चित कर्म क्या है, मैं कैसे इसका प्राश्चित करूं। बोले, लोहे को इतना गर्म कर लो, इतना गर्म कि खौलता हुआ लोहा पी जाओ और पीकर अपना शरीर छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए प्राश्चित है। तो मदरा की सुराही में जल पीने वालों को जीने का भी अधिकार नहीं देता था शास्त्र,
ऐसे ऐसे प्राश्चित कर्म होता है कि अब तुमको जीने का अधिकार नहीं। जिस कुएं में गाय के रक्त की एक बूंद गिर जाए और उस कुएं का जल पीने वाले को वर्णाश्रम धर्मों से बहिष्कृत कर दिया जाता था, आज वो पूरा का पूरा राष्ट्र और उस राष्ट्र के सभी नागरिक गोवध के पाप से, महापाप से ग्रसित हो रहे हैं हर रोज। कहा तो वेदों ने इतना सुंदर मंगलाचरण किया है, वैदिक मंगलाचरण है, हमारे राष्ट्र को किस रूप में देखने की कामना की है हमारे वेदों ने, हमारे ऋषि वाक्यों ने, हमारे ब्रह्म वाक्यों ने हमें किस रूप में देखने की कामना की है। ये यजुर्वेद का मंगलाचरण है, आप ब्रह्म ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायता महाराष्ट्रे राजन्य शूरा शव्यो तिव्याधि महारथो जायताम। हे भगवान, हमारे राज्य में खूब यज्ञ हो, इतने यज्ञ हो, इतने यज्ञ हो कि राष्ट्र में कभी भी दैवीय आपदा ना आए। जब राष्ट्र में यज्ञ परंपरा, यज्ञीय परंपरा खत्म होती है तब राष्ट्र में दैवीय आपदा आती है। बिना समय बिना मौसम के बरसात होगी, वर्षा के समय में वर्षा नहीं होगी, कभी अति शीत होगा, कभी अति ग्रीष्म होगा, कभी अति वात होगा, कभी अतिशय वर्षा होगी। ये सब क्या है? क्योंकि हमारे राष्ट्र में यज्ञ परंपरा समाप्त हो रही है। अब यज्ञ क्यों नहीं बंद होंगे? यज्ञों का मूल क्या है? हमारे शास्त्रों ने लिखा है यज्ञ का मूल है गाय। गाय नहीं होगी तो यज्ञ नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा कौन सा यज्ञ है जो यज्ञ बिना पंचगव्य के पूरा हो जाए? अरे यज्ञ में हम घृताहुति डालते हैं तब वही घृत की आहुति तो हव्य बनकर देवताओं के पास जाती है, जिससे दैवीय शक्ति बढ़ती है। जिन यज्ञों के धूम से बादल बनते हैं, आज राष्ट्र में आप देख लो कि ग्लोबल वार्मिंग कितना बड़ा एक मुद्दा बनता जा रहा है। मानव जाति स्वस्थ बने, मानव जाति समृद्ध बने, ये केवल बातें नारों में ही सुनाई जाती हैं। मानव जाति स्वस्थ और समृद्ध कहाँ से बनेगी? बेरोजगारी की समस्या देश में कितनी बढ़ती जा रही है, लोग देश छोड़ छोड़कर बाहर भाग रहे हैं। समृद्ध कहाँ से होगी मानव जाति? आज देश में लोग कैसे कैसे घातक रोगों से जूझ रहे हैं, मानव जाति सुखी कहाँ से होगी, स्वस्थ कहाँ से होगी? इन सब का मूल कारण है गौवंश की उपेक्षा, इन सब का मूल कारण है गौवंश का ह्रास। जिस राष्ट्र में आज से 60 साल पहले मनुष्यों की गणना से ज्यादा गायों की गणना होती थी, मनुष्यों की संख्या नहीं थी भारत में उतनी जितनी उससे ज्यादा गायों की संख्या थी, आज तो गायों की गणना उंगली पे कर लो और हर गांव में हर शहर में भारतीय देशी गाय की दुर्दशा ही दुर्दशा देखने को मिल रही है। आप हर गांव हर शहर में देख लो 100-150 गौवंश तो ऐसे आवारा घूमता मिलेगा, कहीं कोई गौशाला नहीं, जहां है वहां समुचित सेवा नहीं है। 150-200 गौवंश तो रोड पे घूमता मिलेगा ही मिलेगा, हर गांव और शहर की हालत है। हम लोग दोष देते हैं भारत में संविधान में सुधार किया जाए, गोवध पर प्रतिबंध लगाया जा रहे। गोवध पर प्रतिबंध कहां से लगेगा? जब तक गाय हमारे घर में बंधेगी नहीं तब तक गोवध पर प्रतिबंध कहां से लगेगा? गोवध पर प्रतिबंध कल से ही लग जाए, अगर भारत के घर घर में भारत का प्रत्येक परिवार गौ सेवा के लिए संकल्पित हो जाए तो गोवध पर प्रतिबंध हमारे द्वारा लगेगा, किसी शासकीय सत्ता के द्वारा नहीं लगेगा, हमारे द्वारा लगेगा। लेकिन हमारे भावों में कितनी दुर्बलता आ गई है, कितनी नगण्यता, कितनी स्वार्थ परायण वृत्तियां हमारे स्वभाव में आ गई हैं। आज स्वार्थ के अलावा हमें दूसरी कोई बात सूझती नहीं है। हमारे वेदों ने कामना की हमारे राष्ट्र में बहुत यज्ञ हो। यज्ञ होगा कब? जब गाय सुरक्षित होगी। राजन्य शूर शव्य तो व्याधि, हमारे राज्य में आप ब्रह्म ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी, ब्रह्म वर्चस्वी तेजस्वी ब्राह्मण हो। हमारे राष्ट्र में उत्तम शास्त्रों को पढ़ने वाले तेजस्वी ब्राह्मण हो। हमारे राष्ट्र में देव उपासना हो।
हमारे राष्ट्र में लक्ष्यवेधी महारथी हों, बड़े बड़े वीर पुरुष हों, किसी काल में तो हुए ही हैं, महाराणा प्रताप की वीरता, शिवाजी की वीरता को आज तक लोग पढ़ते हैं, आश्चर्य प्रकट करते हैं। हमारा राष्ट्र ऐसे शूर वीरों से भरा रहे, हमारा राष्ट्र तेजस्वी ब्राह्मणों से भरा रहे, हमारे राष्ट्र के प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति बहुत प्रभावशाली हो, व्यक्तित्व का धनी हो, और आज उससे बिल्कुल उल्टा दिखाई पड़ रहा है, सदाचार दिखाई नहीं दे रहा है। भारत जैसी देवभूमि में बलात्कार जैसी घटनाओं की को जब दोहराया जाता है और ये सब घृणित घटनाओं को जब सुना जाता है तो लगता है ये वही देवस्थान है, ये वही देवभूमि है जहां नारी को ब्रह्म रूप में देखा गया, आज वहां दुराचार की सीमाएं पार हो रही हैं। देखिए इन सब का मूल कारण गौवंश का ह्रास है। हम लोगों का खान पान शुद्ध नहीं रहा, हमारी वृत्तियां कहाँ से शुद्ध होंगी, हमारे आचार विचार में शुद्धि कहाँ से आएगी जब तक हमारा आहार शुद्ध नहीं होगा। जब तक हमारे आहार में गव्य पदार्थ नहीं होंगे, गोरस नहीं होगा, हमारे शास्त्रों ने कहा है जिन घरों में, महात्माओं ने भी कहा है, शास्त्रों ने भी कहा है, नित्य गोघृत का दीप नहीं जलता है और नित्य भोजन में गव्य पदार्थ नहीं होता है, ऐसे भोजन से प्रेतों की पुष्टि होती है। वो भोजन प्रेत भोजन कहाँ है जिस भोजन में रोज गव्य पदार्थ नहीं है। जा गृह में गोपूजा नहीं और जले न गोघृत दीप, भूतन के डेरा वही लिपे न गोबर लीप। गो में से घर के का प्रांगण ना लिपा जाए, घर में गोघृत का दीपक न जले, हमारे आहार में हमारे भोजन में गव्य पदार्थ न हो, तो ऐसा स्थान ऐसा घर शमशान की तरह और रहने वाले लोग प्रेतों की भांति, फिर बताइए प्रेत जीवन में आचार विचार की शुद्धि कहाँ से आएगी, कभी नहीं आ सकती है। तो धरती का मांगलिक जीव है गौ माता, सबसे बड़ा मांगलिक जीव। यदि गौवंश नष्ट हो गया तो धरती के उसी दिन सब मंगल समाप्त हो जाएंगे, वो धरती अमंगलमयी हो जाएगी, अस्पृश्यानवलोक्ययम्, वो छूने और देखने लायक भी धरती नहीं रह जाएगी। और नारद जी महाराज ने इन सब परिस्थितियों का उसी समय दर्शन कर लिया, नारद जी व्याकुल हो गए। एक समय ऐसा भी इस युग से आक्रांत होकर आएगा कि लोगों की गाय के प्रति उपेक्षा बुद्धि हो जाएगी, लोगों को गौ सेवा के लिए प्रेरित करना पड़ेगा, लोगों के अंदर गौ सेवा के लिए जागृति जगानी पड़ेगी, उनको विनम्र निवेदन करना पड़ेगा। नारद जी महाराज से युग का धर्म सुनकर भक्ति महारानी ने कहा, हे देवर्षे, जब परीक्षित जी को पता था कि इस युग में यही सब होना है तो उन्होंने कलयुग को भगा क्यों नहीं दिया, बाण तो उठा लिया था मारने के लिए। तो नारद जी ने कहा, देवी परीक्षित जी साराग्राही पुरुष थे, जैसे भौरा होता है ना, वो पुष्प का रस पीता है, वो सार वस्तु ग्रहण करता है, परीक्षित जी साराग्राही थे। परीक्षित जी ने देख लिया कि कलयुग में दोष तो बहुत हैं पर कलयुग में एक बहुत बड़ा गुण है, यत्फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल तपस्या योग और समाधि से भी नहीं मिलता है वही फल कलयुग में केवल श्री कृष्ण नाम संकीर्तन से ही मिल जाता है। तो परीक्षित जी ने देखा कि कलयुग में लोगों के लिए कल्याण का मार्ग बहुत सहज है, बहुत सरल है, इससे ज्यादा और कोई सरल युग नहीं होगा कल्याण के लिए।
क्योंकि सतयुग देख लो तो तप प्रधान है, त्रेता युग यज्ञ प्रधान है, द्वापर सेवा प्रधान है, कलयुग ही एक ऐसा युग है जो नाम प्रधान युग है। भगवान नाम लो और संसार सागर पार कर जाओ, फिर संसार संतरण का इतना सहज योग किसी भी युग में प्राप्त नहीं होगा, इतना सरल विधान किसी भी युग में प्राप्त नहीं होगा कलयुग के अलावा। इसलिए हे कलयुग के सद्भाग्यशाली जीवो, कलयुग में जन्म हुआ ये पछताने की बात नहीं है, ये तो सौभाग्य की बात है कि हम लोगों का कलयुग में जन्म हुआ, क्योंकि कलयुग में जन्म लेने के बाद कल्याण करतलगत है। भगवान नाम संकीर्तन के आश्रय से कल्याण जैसी वस्तु को भगवान हाथ पर रख देंगे, कल्याण आपको सहज में बिना आपकी योग्यता पात्रता पूछे भगवान प्रदान कर देंगे, ऐसा और कोई युग आने वाला नहीं है। और कितने सुंदर समय में हम लोगों को जन्म मिल गया, अभी तो युग की ऐसी प्रचंडता भी नहीं है कि भगवान नाम ना मिल रहा हो, सत्संग ना मिल रहा हो, समय समय पर सत्संग भी मिल रहा है, इस तरह की सुंदर भगवत चर्चा की गोष्ठियाँ मिल रही हैं, दैनिक उत्सव के रूप में प्रभात फेरी आपके शहर में चल रही है। अब इतने पर भी हम भाग्यहीन जीव उसमें 10-20 मिनट सम्मिलित भी ना हो पाए तो यह जीव का निश्चित रूप से प्रबल दुर्भाग्य है, ये विशेष दुर्भाग्य की बात है कि इतना सुंदर अवसर उपस्थित होने के बाद, इतना सुंदर योग बनने के बाद भी हम अपने कल्याण की इच्छा हमारे हृदय में ना हो, हम 10-20 मिनट का प्रयास भी कल्याण के लिए न करें, तो ये हमारा प्रबल दुर्भाग्य होगा। कलयुग के जीवों को सहज में मुक्ति मिल जाती है। हमारे पूज्य श्री बाबा महाराज का भाव है, कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाएंगे, कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाएंगे, कृष्ण का नाम
यत् फलं नास्ति तपसान योगेन समाधिनां तत् फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। तपस्या का फल, योग का फल, समाधि का फल, योग समाधि और तपस्या का फल, योग समाधि और तपस्या करने से भी जो नहीं मिलेगा वो फल कलिकाल में केवल श्री कृष्ण संकीर्तन से मिल जाएगा। कलिकाल के जीवों की रुचि यदि भगवान नाम में हो गई तो समझ लो भगवान ने कलयुग से बचाकर उन पर अपनी विशेष कृपा कर दी, क्योंकि कलयुग में उत्पन्न हुए जीवों की भगवान नाम में रुचि होने नहीं देता है। अगर सबकी कृष्ण नाम में रुचि हो गई तब हमारा क्या होगा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा, राम नाम नर केसरी कनक कश्यपु कलिकाल। जैसे हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी को भगवत भक्ति में बाधा पहुंचाता था, तो भगवान नाम ही साक्षात नृसिंह है कलियुग में, और कलियुग ही साक्षात हिरण्यकश्यपु है। ज्ञापक जन प्रहलाद हैं, जितने लोग कलयुग में भगवान नाम ले रहे हैं ये सब साक्षात प्रहलाद जी के अवतार हैं। देखो सतयुग में एक प्रहलाद जी को जन्म देने की शक्ति थी, और कलयुग में तो हजारों लाखों की संख्या में प्रहलाद जी हैं। आयु से उम्र से कोई प्रयोजन नहीं है, ज्ञापक जन प्रहलाद है। जो भी भगवान नाम में जिसकी भी रुचि है वो सब प्रहलाद जी हैं, चाहे वो 5 साल का बालक है और चाहे वो 70 साल का वृद्ध है, चाहे वो स्त्री है पुरुष है, सब ज्ञापक जन साक्षात प्रहलाद जी के स्वरूप हैं कलयुग में। भगवान का नाम ही साक्षात नृसिंह है, और ये कलयुग रूपी हिरण्यकश्यपु इन ज्ञापक जनों को भगवत नाम में रुचि नहीं होने देता है, बाधा डालता है, व्यवधान पैदा करता है, भगवान नाम में तरह तरह की विषमताओं को जन्म देता है। प्रहलाद जी के सामने कितनी विषमता आई, पर प्रहलाद जी की भक्ति पर असर पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसे ही चाहे जैसी विषमता, चाहे जैसी प्रतिकूलता आ जाए, लेकिन भगवान नाम को इतनी दृढ़ता के साथ पकड़ लेना, इतनी मजबूती के साथ पकड़ लेना कि ये कलयुग हिरण्यकश्यपु का रूप लेकर साक्षात प्रहलाद जी की भांति अपने ही हाथों से मारने के लिए क्यों ना प्रकट हो जाए। अगर कलयुग हिरण्यकश्यपु के रूप में प्रकट होता है मारने के लिए, तो ये भगवान नाम भी साक्षात नृसिंह भगवान के रूप में प्रकट होकर गर्जना करते हुए अपने ज्ञापक जनों की सदा सर्वदा सुरक्षा करेगा, करता रहा है और करता रहेगा, निश्चित रूप से करता रहेगा। नाम के प्रति विश्वास रखना, अखंड विश्वास रखिए, कैसी भी प्रतिकूलता कैसी भी विषमता विचलित नहीं कर पाएगी अगर नाम के प्रति अटूट विश्वास है। देवर्षि नारद जी महाराज ने भक्ति महारानी को जब कलयुग की इस विशेषता से अवगत कराया और साथ ही कहा, आप चिंता मत करिए, ब्रजवासी ब्रजगोपियों की रक्षा करने वाले भगवान कहीं गए थोड़े हैं, व्यर्थ में व्यथित क्यों होती हैं आप। हे वरानने, हे सुंदरी, कलिना सदृशा कोपि युगो नास्ति वरानने, कलयुग जैसा तो कोई युग है ही नहीं। तस्मिन् स्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने, इस युग में घर घर में मैं तुम्हारी स्थापना करूंगा, घबराओ मत। कलयुग में घर घर में भक्ति की स्थापना होगी, कलयुग में भक्ति का जितना प्रचार होगा उतना अन्य युगों में नहीं हो सका। कलयुग तो भक्ति प्रधान युग है, कलयुग में भक्त बहुत होंगे, भक्ति का प्रचार बहुत होगा। पापिनोपि गमिष्यन्ति निर्भयम् कृष्ण मंदिरम्, अरे बड़े बड़े पापी महापापी भी श्री कृष्ण नाम का आश्रय लेकर इस कलयुग में निर्भय होकर कृष्ण मंदिर कृष्ण धाम को जाएंगे। ये ऐसा युग है, बड़े बड़े पातकी भी
भगवान के धाम में भगवान नाम के सहारे पहुंचेंगे। अब ये बात तो कलयुग की भी नहीं, त्रेता युग में श्री हनुमान जी महाराज को राम जी ने पूछा, हनुमान जी दिनरात श्री राम जय जय की ध्वनि आपके रोम रोम से प्रकट होती है, एक बात बताइए, अगर नाम में और राम में एक को पकड़ने के लिए कहा जाए तो किसको पकड़ोगे? श्री हनुमान जी महाराज मौन हो गए, बोले नाम और नामी एक ही है, अगर राम नाम कहें तो वो आप ही का नाम है और राम जी कहें तो आप साक्षात हैं ही। अब ये गड़बड़ बात हमारे मुंह से निकलवा के आप कलह क्यों कराना चाहते हैं? राम जी ने कहा, नहीं फिर भी तो बताइए आपको प्रिय कौन है, इन दोनों में आपको श्रेष्ठ कौन लगता है? तो हनुमान जी ने कहा, जब आप पूछा ही है आपने तो बुरा मत मानिए, लेकिन हम तो स्पष्ट शब्दों में कह देते हैं, त्वया तु तारिता अयोध्या नामना तु भुवनत्रयम्। आप तो एक ही अयोध्या को साकेत लेकर गए, लेकिन आपके नाम के आश्रय से तो कलिकाल में भी और आज भी चहु युग चहु श्रुत नाम प्रभाव कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। आपके नाम का आश्रय अवलंबन लेने वाले कितने जीवों का कल्याण होता आया है, हो रहा है और होता रहेगा, उनकी आज तक कोई गणना भी नहीं कर सका है। इसलिए यदि मुझे श्री राम जी और श्री राम नाम में यदि मेरी प्रियता पूछी जाए तो राम नाम ही मुझे अधिक प्रिय है। यदि राम और राम नाम में मेरे से श्रेष्ठता का फैसला कराया जाए समस्त अयोध्या वासियों को साकेत ले गए, लेकिन हनुमान जी ने कहा, यावत तव कथा चरिष्यति लोके, जब तक आपकी कथा इस लोक में प्रचलित रहेगी मैं इस लोक को छोड़कर साक्षात आपके पास भी आना नहीं चाहूंगा। तो राम जी चले गए, पर हनुमान जी महाराज कथा के राम नाम के श्रवण के लोभ में धरती छोड़कर गए नहीं, कहीं गए नहीं। और आज भी जहाँ कथा यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम, आज भी जहाँ रघुनाथ संकीर्तन होता है हनुमान जी वहीं वहीं पहुँचते हैं, नेत्रों में अश्रु भर के हाथ जोड़ के मस्तक झुका के सर्वदा हनुमान जी की उपस्थिति होती है। जहाँ जहाँ श्री राम जी की कथा श्री राम नाम का संकीर्तन होता है वहाँ सर्वदा हनुमान जी की उपस्थिति होती है। ऐसे ही श्री ठाकुर जी के भक्तों में, कृष्ण भक्तों में श्री उद्धव जी महाराज, नारद जी महाराज, सुख संकादिक जी, अर्जुन जी, ये सब भगवान के श्रेष्ठ पार्षद कलिकाल में नहीं भविष्य में जब भी जहाँ भी कृष्ण नाम का संकीर्तन गुणानुवाद होता है ये संपूर्ण परिकर, ये संपूर्ण पार्षद वहाँ वहाँ उपस्थित होते हैं। इसलिए धन्य है भगवान नाम और धन्य है कलयुग, क्योंकि कलयुग नाम प्रधान युग है। कलयुग को दोष मत दो, अपना भाग्योदय समझो कि हमारा कलयुग में जन्म हुआ। और नारद जी जैसे महापुरुषों ने, चलो नारद जी तो अभी कलयुग के 250 साल ही बीते थे तब की घटना है, लेकिन आज से 500 साल पहले तक भी और आज भी आप देख लो, बरसाना में हमारे पूज्य श्री बाबा महाराज वे कभी ब्रज से बाहर नहीं आते जाते, लेकिन उनके वहाँ केवल विराजने मात्र से आज संपूर्ण समग्र संसार में, देश के कोने कोने में और उनकी विलक्षण नाम निष्ठा के प्रभाव से हजारों गांव नाममय हो गए, हजारों स्थानों पर भगवान नाम की फेरियां चल रही हैं, संकीर्तन चल रहा है। ये कलयुग की महिमा है, ये कलयुग की धन्यता है, क्योंकि कलयुग ने ही ऐसे भक्तों को जन्म देने की सामर्थ्य है। कलयुग में ही ऐसे भक्त होंगे, ऐसे महापुरुष होंगे। परीक्षित जी महाराज कलयुग का दमन करना चाहते थे पर दमन नहीं किया। दमन करने की शक्ति श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, रामानंदाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, विष्णु स्वामी जी, श्रीमन माधव स्वामी जी, इन सब महापुरुषों के अंदर कलयुग दमन की सामर्थ्य थी। ये आचार्य कोटि के महापुरुष थे पर किसी ने भी कलयुग का दमन नहीं किया। सबने कहा कलयुग तुम धन्य हो, क्योंकि कलयुग में भगवान नाम परायण लोग बहुत होंगे। कलयुग में नामाश्रय जीवों के लिए कल्याण बहुत सहज होगा, बहुत सरल होगा। इसलिए दमन न करके सबने कलयुग का पोषण किया, नहीं कलयुग बना रहे अच्छा है, खूब संकीर्तन होगा, खूब जगह जगह कथाएं होंगी, भगवान नाम का प्रचार होगा। ना तपोभिर न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरेर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। वैसे तो भगवत प्राप्ति के बहुत से मार्ग हैं, पर भगवान भक्ति से जितने सुलभ और सहज हुए उतना अन्य मार्गों से सहज और सुलभ नहीं हुए। इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण थी ब्रज की गोपियाँ।
न तप किया, न वेद पढ़े, न यज्ञ किया, केवल भक्ति और दिनरात भगवान नाम के प्रभाव से उन गोपियों ने भगवान को कठपुतली बना लिया। भागवत जी में लिखा है, गोपी भिस्तो भितो नृत्यत भगवान बालवत क्वचित, वो परब्रह्म परात्पर ब्रह्म उन गोपियों के सामने बालक की तरह क्रीड़ा करता रहा। और बालक ही नहीं, दारू यंत्र, दारू यंत्र कहते हैं लकड़ी का यंत्र यानी कठपुतली। तो गोपियां तो सूत्रधार हो गई, जैसे कठपुतली को जो उसका धागा पकड़ के जो नचाता है, गोपियां तो वो सूत्रधार बन गई और श्री कृष्ण साक्षात कठपुतली बन गए। अब जैसे नचाना चाहती हैं वैसे ठाकुर जी नाच रहे हैं। इतना सुलभ भगवान किसी और मार्ग से नहीं हुए जितना भक्ति से हुए, जितना इस प्रेम मार्ग से हुए। उन ब्रजगोपियों ने क्या किया था, केवल भक्ति से भगवान को सहज सिद्ध कर लिया। इसलिए भगवत भक्ति मार्ग के माध्यम से, भगवान नाम के आश्रय से आज भी उस भगवान को इसी कलयुग में महाराष्ट्र प्रांत में सखू बाई हुई हैं, सत्संग करने जाती थी तो इनके घरवाले इनको मारते पीटते थे, रोज कलह होता था। एक दिन भगवान लोगों ने इनको घर में बांध दिया, घर वालों ने, आज देखते हैं ये कैसे जाती सत्संग में। रात्रि का समय, स्वयं सखू बाई के नेत्रों से झरझर आंसू आने लगे, इसलिए नहीं कि मुझे बांधा गया पीटा गया, इस कष्ट से कि अरे राम राम आज मुझे सत्संग की प्राप्ति नहीं हुई। तो मध्य रात्रि को पंडरीनाथ भगवान आए और पंडरीनाथ भगवान ने सखू बाई को बंधन खोल दिया और सखू बाई का रूप बना के खंबे से खुद बंध गए और सखू बाई को कहा, जाओ तुम सत्संग में चली जाओ, तब तक हम यहाँ बंध कर खड़े रहेंगे। तो अपरांत में केवल यशोदा मैया के विशुद्ध अनुराग से भगवान नहीं बंधे, इस कलिकाल में इसी युग में भक्तों ने भगवान को बांध के दिखा दिया। क्योंकि हरिर ही साध्यते भक्ति अप्रमाणम तत्र गोपिका, भगवान आज भी भक्ति से बंध जाएगा इसका परम प्रमाण है ब्रज की गोपियां। गोपियों का चरित्र बहुत बड़ा प्रमाण है, आज भी बांध सकता है, कोई भी बांध सकता है। श्री नारद जी महाराज ने भक्ति महारानी को भक्ति की महिमा सुनाई, ज्ञान वैराग्य को वेद पाठ गीता पाठ से जगाने का प्रयास किया, पर वे तो हिले डुले भी नहीं। नारद जी व्यथित हुए, आकाशवाणी हुई, मुने खेद मत करो, अनुष्ठान करो, अनुष्ठान कोई उद्यम प्रयास करो, क्या करें। बोले किसी संत से पूछो, वे बताएंगे, उनकी बताई हुई विधि से अनुष्ठान करो। नारद जी तीर्थ यात्रा में घूमे, कोई मिला नहीं बताने वाला, तो नारद जी तपस्या करने चले। उसी समय एकाएक उनके सन्मुख सनकादिक मुनीश्वर प्रकट हो गए। कैसे हैं सनकादिक मुनीश्वर, जिनके मुंह पर हरि शरणम एवं ही नित्यम, ये शाम मुखे वच हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, दिन रात जिनके मुंह पर हरि नाम विराजा रहता है। और हरि शरणम कहते कहते वहां प्रकट हो गए भक्ति महारानी देवश्री नारद जी के सन्मुख। नारद जी ने उनको कहा, महाराज अब आप ही बताओ कौन सा अनुष्ठान कैसे करना है, आकाशवाणी ने क्या कहा है। सनकादिक महापुरुष ने कहा, हे देवर्षे, पूर्व काल में आप ही के मुंह से भागवत धर्म की महिमा को सुनकर वेद व्यास जी ने भागवत जी की रचना की थी, और अब आप ज्ञान वैराग्य के जर्जर अवस्था को दूर करने के लिए गीता पाठ वेद पाठ करते हैं, अरे एक बार भागवत श्रवण क्यों नहीं कर लेते हैं। तो जो वेद पाठ गीता पाठ से नहीं हुआ, क्या वह भागवत पाठ से हो सकेगा, क्यों नहीं होगा। तो भागवत वेदों से कहां अलग है, वेद का फल ही तो है। सनकादिक महापुरुष ने कहा, हाँ फल है, लेकिन वृक्ष और फल में कितना बड़ा अंतर होता है। जहां फल का उपयोग होना है वहां वृक्ष की शाखा, वृक्ष की पत्ती और वृक्ष के मूल का उपयोग थोड़ी होगा। किसी को भूख लगी है, आप आम ना खिला के आम की पत्तियों को घोट छान के उसका रस पिला दें तो ना तो क्षुधान वृत्ति होगी ना वैसा आनंद आएगा। अरे जो फल की उपादेयता है वो फल की है, जो वृक्ष की है वो वृक्ष की है। आप संदेह ना करें, भक्ति ज्ञान वैराग्य का कष्ट भागवत श्रवण से निस्संदेह दूर होगा। तो ठीक है, आप श्रवण करा दीजिए, तब कहाँ किया जाए। बोले आनंद नामक तट पर हरिद्वार में हम सभी लोग इसका लाभ लें, गंगा द्वार समीपे तू तटम आनंद नामकम। और जैसे ही आनंद नामक तट पर सनकादिक महापुरुष ने बैठकर प्रमुख आसन पर नारद जी ने बैठकर कथा को सुना है, मुनीश्वरों ने कहा है, चारों ओर से सब लोगों से श्रोता लोग पधारे हैं, बड़े बड़े ऋषि ब्रह्मर्षि पधारे हैं,
और जैसे ही वह कथा आरंभ हुई, कथा की बहुत सी महिमा, कथा नहीं आरंभ हुई, कथा की महिमा को मुनीश्वर सुनाने लगे, और केवल कथा की महिमा सुनते ही भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों हृष्ट पुष्ट होकर और ब्रह्मर्षि की सभा के मध्य भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। दोनों जवान पुत्रों को लेकर भक्ति महारानी, आश्चर्यजनक घटना घटी, दोनों जवान पुत्र हैं, प्रेम रूपा भक्ति महारानी दोनों पुत्रों को लेकर सहसा विरासी एक अकस्मात प्रकट हो गई। कैसे प्रकट हुई? भगवान नाम संकीर्तन करते हुए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे तिनामानि मुहुर्वदन्ति। भगवान के विभिन्न नामों को मुहु माने बार बार उच्चारण, बार बार उच्चारण करने का मतलब उच्चई भाषा तु कीर्तनम, जोर जोर से बार बार उच्चारण करना, मतलब भगवान के विभिन्न नामों का भक्ति महारानी संकीर्तन करते हुए ऋषि मुनियों की सभा के मध्य ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे Radhe Shyam, Radhe Shyam।
कथा को विराम देना है कि और चलाएं? अब विराम दो। कल से कथा का समय क्या रहेगा? ढाई से साढ़े छः। तो ढाई से साढ़े छः बजे तक का समय है। और आप लोगों की प्रभात फेरी का क्या समय है? पांच बजे से साढ़े पांच बजे तक प्रातःकाल प्रभात फेरी होती है। मंदिर स्थान नाम बताइए, क्या नाम मंदिर का? सी साइड मंदिर, सामने ही कालका माता का मंदिर। पाँच से साढ़े पाँच प्रभात फेरी, आप सभी लोग जिसमें सम्मिलित होते हैं अधिकाधिक संख्या में सम्मिलित होइए। हमने आपको आज पूर्व ही बहुत निवेदन किया है और कथा की सफलता का स्वरूप भी यही है, इसलिए रोज प्रभात फेरी की संख्या बढ़नी चाहिए। यहाँ कथा हो रही है, ये सच्चा लाभ कथा का है, सच्चा फल है। तो हम लोग भी कल से आप सबका सम्मिलित होकर दर्शन करेंगे प्रभात फेरी में। और ढाई बजे से कथा शुरू होगी, तो उत्तम श्रोता बनकर आप लोग कथा सुनने आए। ऐसा ना हो कि कथा में दो घंटा देरी से आए और ख़त्म होने के पहले ही भाग जाएं। उत्तम श्रोता बनकर कथा सुनिए, समय से पहले आइए और संपूर्ण कथा सुनकर जाइए। आप सबकी सुविधा को देखते हुए समय रखा है, ताकि जो लोग नौकरी पर भी जाते हैं वो लोग भी आकर कथा श्रवण कर सकें। तो अपना सब ये सात दिन तक ये धारा ऐसे ही प्रवाहित होगी कथा की। तो अपने गृह कार्यों को समय से कर लीजिए और कथा में समय से पहुंचिए। कोई अनाउंसमेंट तो नहीं है? अच्छा, तीन जगह से प्रभात फेरी चल रही है। सब लोग कथा के दौरान एक ही जगह इकट्ठे हों, एकत्रित हों, तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे पारस्परिक सौहार्द भी बढ़ता है और सब लोग आपस में मिलेंगे। ज़्यादा लोग होंगे तो कीर्तन में रस भी बहुत रहेगा, आनंद भी आएगा, क्योंकि हम लोग तीन रूप बना के तीन जगह तो नहीं जा सकते, एक ही जगह जा सकते हैं। तो एक ही जगह सब लोग आ जाएंगे तो सब लोगों को लाभ मिलेगा, अच्छा लगेगा।
और अब आरती होगी। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए आरती के लिए। ताप ताप ने जुझे